हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का। हेलो, नमस्कार। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी स्टूडेंट। वेरी गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है सभी को? एक बार सभी स्टूडेंट कंफर्म कर दें। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। चलिए, मोस्ट वेलकम है सभी। सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी का ये सेशन एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद हेल्पफुल, और हालांकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप चाहे मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विशेषकर जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी वर्तमान में, भारत में बैंकिंग व्यवस्था का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी भारत में बैंकिंग के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इतिहास के बारे में समझ रहे थे, इतिहास के बारे में जान रहे हैं। मीन्स बैंकिंग के इतिहास के बारे में, मीन्स इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, भारत में जो बैंकों का विकास है, भारत में बैंकों का विकास चरण दर चरण किस प्रकार से हुआ, फेज बाय फेज किस प्रकार से हुआ, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप सभी को यदि पहले पहले की क्लासेस यदि आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो इसी यूट्यूब के चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। भारत में जो बैंकों का इतिहास है, बैंकों का जो विकास है, हम लोगों ने इसको जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता ही होगा, मैंने बताया हुआ है। जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया है, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, इन इंडिया यानी कि भारत में जो बैंकों का विकास है, वो विकास हम लोगों ने कितने भागों, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ओवरऑल हल हम लोगों ने कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट है आपका कौन सा, एक पार्ट हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता के पूर्व क्या, यानी कि जब हम स्वतंत्र हुए तो हमें किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था हमें यहाँ पर मिली, क्या हमारे देश में बैंकों का विकास हुआ था, बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ था या बैंकिंग प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। इसके बाद दूसरा आपका स्वतंत्रता के बाद मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के पूर्व हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि विकास के, भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विकास के विकास को हम लोग चार चरणों में उसको विभाजित कर सकते हैं। चार चरणों में से पहला चरण हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला चरण किसके बारे में डिस्कस किया था, टिल 1806, यानी कि भारत में जो बैंकों का विकास हुआ उसमें हम लोगों ने 1806 के पहले को इसको हम लोगों ने प्रथम चरण डिस्कस किया कि भारत में प्रथम चरण में किस किन बैंकों का विकास हुआ, और उसमें से प्रमुख रूप हम लोगों ने 1720, 1770 और 1773, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें हम लोगों ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है दूसरा जो चरण है वो 1806 से लेकर के और 1800 इसको कहां तक लिया, 1806 से लेकर के 1860 तक। अब 1860 हमने क्यों लिया, 1806 क्यों लिया, इसे प्रेसिडेंसी बैंक का काल कहा जाता है। ये द्वितीय चरण है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि इसको प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना यहां पर हुई द्वितीय चरण में, प्रेसिडेंसी बैंक में की बैंक की स्थापना हुई द्वितीय चरण में। और प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई, प्रेसिडेंसी बैंक जो स्थापित हुए उसमें प्रमुख रूप से तीन बैंक प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित हुए। एक बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्टार्ट हुआ था जिसे हम बैंक ऑफ बंगाल कहते हैं, जो 1806 में स्थापित हुआ था बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, वो बैंक ऑफ बंगाल हो गया 1809 में। ये फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था जो कि 1840 में 1806 में स्थापित हुआ था। दूसरा जो प्रेसिडेंसी बैंक था वो स्थापित हुआ कौन था, कौन सा, वो दूसरा स्थापित हुआ था बैंक ऑफ बॉम्बे। ये बैंक ऑफ बॉम्बे दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक कब स्थापित हुआ, मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं लास्ट क्लास से, वो स्थापित हुआ था 1840 में।
और तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक था वो बैंक ऑफ मद्रास था। ये तीन, इनको प्रेसिडेंसी बैंक क्यों बोला जाता है, ये बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में, क्योंकि एक्चुअल में उस समय जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, जो कंपनी की प्रशासनिक जो इकाई थी, वो तीन प्रेसिडेंसी में डिवाइडेड थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी में विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी, यानी कि जो प्रेसिडेंसी है उस प्रेसिडेंसी के यानी कि गवर्नमेंट के, सरकार के सक्रिय सपोर्ट से, सहयोग से ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित हुए थे, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित हुए थे, और इसीलिए इस शरण को हम प्रेसिडेंसी बैंक भी कहते हैं। इनको लिमिटेड वे में करेंसी इशू करने का भी राइट था, करेंसी इशू करने का भी राइट था लिमिटेड वे में। और लेकिन ये जो राइट है, ये राइट कब ले लिया गया था, जो क्वाइंस एक्ट पारित हुआ था 1861 में, जो एक्ट था 1861 का, उसके बाद 1862 में इनको करेंसी इशू करने का जो अधिकार था, जो शक्ति दी गई थी, वो सरकार ने वापस ले ली थी, और सरकार ने वापस ले ली और सरकार ने खुद करेंसी इशू करने का जो है अधिकार लिया। सो ये इनको जो लिमिटेड राइट था करेंसी इशू करने का, वो भी वापस ले लिया गया था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ बैंकों का विनियमन भी यहां पर, चूंकि 1860 में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे देश में अभी तक जो बैंकों का रेगुलेशन था वो रेगुलेशन कैसे हो रहा था, वो रेगुलेशन विशेषकर 1850 में एक अधिनियम पारित हुआ था, इसी के तहत बैंकों का रेगुलेशन हो रहा था। रेगुलेशन का मतलब विनियमन, जैसे कि हमारे देश में वर्तमान में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, 1949 का, उसके तहत बैंकिंग व्यवस्था हमारे देश में विनियमित होती है। तो 1850 में जो अधिनियम बना था उसी के तहत बैंकिंग व्यवस्था रेगुलेट होती थी। लेकिन 1860 में एक परिवर्तन किया गया। 1860 में क्या परिवर्तन किया गया, 1860 में परिवर्तन ये किया गया कि जो रेगुलेशन है उसमें जो अभी तक कॉन्सेप्ट था, टिल 1860 जो कॉन्सेप्ट था वो असीमित देयता का कॉन्सेप्ट था। मैंने इसका असीमित देयता का कॉन्सेप्ट, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, जो 1860 में क्या हो गया, सीमित देयता में परिवर्तित हो गया। सीमित देयता यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। अब ये असीमित देयता और सीमित देयता का तात्पर्य क्या है, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का तात्पर्य क्या है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे मैं, मान लीजिए कि मैं कोई एक बैंक ओपन करता हूं, मैंने आपकी पूंजी जमा कर ली और मेरा बैंक डूब गया, डूब गया मतलब घाटे में चला गया, दिवालिया हो गया, तो जो आपकी पूंजी है वो मेरी पर्सनल संपत्ति बेच करके भी, जो मेरी पर्सनल संपत्ति है वो भी बिक जाएगी और आपकी पूंजी वापस होगी। ये असीमित देता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन सीमित देता का मतलब ये होता है कि भैया मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, आप शेयर होल्डर, जो कंपनी की प्रॉपर्टी आप उसको, ठीक है कंपनी की प्रॉपर्टी आपको बेच करके आप ले सकते हैं, लेकिन आप मेरी पर्सनल इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी, जो मेरी इंडिविजुअल संपत्ति है, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीमित देता का कॉन्सेप्ट होता है। तो 1860 के पहले असीमित देता का कॉन्सेप्ट था। जब कहीं भी किसी भी देश में, आज भी वर्तमान में, यदि ऐसा कह दिया जाए कि भैया आपको तो आपकी हम खुद बिक जाएंगे, तो फिर इस स्थिति में कोई भी बैंक खोलने को उस समय ज्यादातर तैयार नहीं थे। लेकिन जब 1860 में ये रेगुलेशन चेंज हुआ और 1860 में सीमित देयता का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, तो भारत में बैंकिंग व्यवस्था में उछाल आया। यानी कि भारत में कई भारतीयों ने भी, जैसे हम पढ़ेंगे अभी अवध कॉमर्शियल बैंक है, हम पढ़ेंगे इलाहाबाद बैंक है, हम पढ़ेंगे इसमें पंजाब नेशनल बैंक है, ये एक के एक, एक के बाद एक भारत के भी जो लोग हैं, भारत वो भी, यानी कि कुल मिलाकर के बैंकिंग व्यवस्था में काफी विकास हुआ 1860 के बाद, क्योंकि सीमित देयता का कॉन्सेप्ट आया। इसीलिए हमने जो दूसरा लिया था, जो दूसरा पेज हमने लिया है, वो दूसरा पेज कौन सा लिया है, वो दूसरा पेज हमने 1806 से लेकर के 1860 तक, 1806 तक प्रथम पेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां तक, इसके पहले तक प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना नहीं हुई थी, 1806 से प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। तो ये जो दूसरा चरण है 1860 तक, हम द्वितीय चरण ले रहे हैं, प्रेसिडेंसी बैंकों का चरण है ये, और इसमें प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई। रेगुलेशन भी कुछ दूसरे टाइप का था, 1860 में रेगुलेशन भी चेंज हुआ, 1862 में प्रेसिडेंसी बैंक का इनका जो प्रेसिडेंसी बैंक का जो करेंसी इशू करने का, यानी कि नोट छापने, नोट जारी करने का जो अधिकार था, वो भी अधिकार वापस ले लिया गया। अब आता है इसके बाद कौन सा तीसरा चरण,
तीसरा चरण 1860 से लेकर के 1921 तक, 1921 तक, 1860 से लेकर के 1921 तक हम तृतीय चरण ले रहे हैं। अब ये 1860 हमने क्यों लिया डिवाइडिंग लाइन, ये तो हम पता चल गया आपको, लेकिन 1921 क्यों ले रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। ये ऐसा चरण है जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में तीसरे चरण में बैंकों का विकास हुआ। विदेशी बैंकों की तो स्थापना हो ही रही थी, अब भारतीय बैंकों की भी स्थापना जो है शुरू हो गई। अब जो है वो भारतीय बैंकों की भी स्थापना शुरू हो गई 1860 के बाद। और 1860 के बाद लेकिन 1906 में, 1906 में आप सभी को पता है कि 1906 का काल भारतीय इतिहास का काल जो है ये स्वदेशी आंदोलन का काल था। इसका स्वदेशी आंदोलन का, तो स्वदेशी आंदोलन के समय क्या हुआ, भारतीयों ने बढ़ चढ़ करके बैंकिंग व्यवस्था को खोलने में, बैंक को खोलने में हिस्सा लिया और इस समय काफी मात्रा में भारतीय बैंकों की स्थापना हुई। लेकिन 1906 से लेकर के 1914 तक तो ऐसा हुआ, लेकिन 1914 में हो गया शुरू क्या, द्वितीय विश्व युद्ध, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1918 तक चला था। अब इसमें क्या हुआ कि 1914 से जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो भारत में बैंकों को घाटा होने लग गया। तो जब घाटा होने लग गया तो धीरे धीरे तो जो बैंक खोलने का जो क्रेज था, जैसे हमारे देश में भी क्या होता है कि जब कोई नई चीज आती है और वो फायदा लेती ना, एक दुकान खोलता है तो उसे लगता है यार इसमें काफी फायदा हो रहा है, तो वो दूसरा भी शुरू कर देता, फिर तीसरा भी शुरू कर देता, फिर चौथा भी शुरू कर देता है। आप देखिए कि जब मोबाइल का रिचार्ज का कॉन्सेप्ट आया था, रिचार्ज करने का, प्राइवेट कंपनियां आई तो काफी मात्रा में हर गली में दो चार रिचार्ज की, मोबाइल रिचार्ज की दुकान मिल जाती थी। आज क्या हर गली में इतनी मोबाइल रिचार्ज की दुकान है, मुश्किल से एक दो है, मुश्किल से एक दो आपको अब ढूंढने से, क्यों, क्योंकि अब सिस्टम बदल गया, अब वो फायदा रहा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट का इतना क्रेज जमाना आ गया कि लोग अपने से सब रिचार्ज कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ 1906 या इस काल में 1860 के बाद जब सीमित देयता का कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, तो सबने बैंक खोलना शुरू कर दिया। लेकिन 1906 में और भी ज्यादा भारतीयों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ, तो बैंकों को घाटा होने लग गया। अब जब बैंकों को घाटा होने लग गया तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बैंकों का जो इवोल्यूशन था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि विकास जो है वो घट गया, रुक गया। अब जब विकास रुक गया तो अब यहां पर सरकार की रूप का जो रोल है वो प्रमुख रूप से आता है। धीरे धीरे महसूस किया जाने लग गया कि केंद्रीय बैंक होना चाहिए हमारे देश में और बैंकों का कंसोलिडेशन होना चाहिए, मजबूत बैंक होना चाहिए सरकार के एक्टिव सपोर्ट के साथ। तो अल्टीमेटली 1921 में, ये 1921 के बाद अब यहां पर जो अभी तक अलग अलग बैंक खुल रहे थे, कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट आएगा और सरकार का की भी भूमिका आएगी और केंद्रीय बैंकों की भी स्थापना होगी। तो ये जो तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया, एक बैंक हो गया, तीन बैंकों के स्थान पर कॉमन रूप से एक बैंक हो गया 1921 में। और उस बैंक को हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उस बैंक को हम क्या कहते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसीलिए जो तीसरा चरण हम ले रहे हैं वो तीसरा चरण 1921 तक का ले रहे हैं और तीसरे चरण के बाद आता है चौथे चरण का, बैंकों का इतिहास। तो चौथे चरण यहां तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आई होप कि आप सभी को जो है यहां तक काफी क्लैरिटी होगी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम आज इसके आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था भारत में बैंकों का विकास, चरण जो है यहाँ पर जो है प्रथम चरण, इसके साथ साथ द्वितीय चरण, इसके साथ साथ जो है तृतीय चरण भी हम लोग
बैंक ऑफ कलकत्ता, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से बैंक जो स्थापित हुए थे। पहले बैंक ऑफ बॉम्बे था जो 1720 में स्थापित हुआ था, ये प्रेसिडेंसी बैंक नहीं था, और ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस प्रकार से कितनी पूंजी के साथ प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई, रॉयल चार्टर्स के माध्यम से संचालित होते थे, इनका विनियमन क्या है, इनका रेगुलेशन क्या है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। तीसरे पेज में हम लोगों ने देखा कि भारतीय बैंकों का विकास भी शुरू हुआ, अवध कॉमर्शियल बैंक जिसके कंप्लीट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो भारतीय थे, पंजाब नेशनल बैंक जो पूर्णता भारतीय पूंजी के साथ शुरू हुआ था ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ स्वदेशी आंदोलन के समय 1906 से लेकर के 1913 तक यहां पर चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, केनरा बैंक हो, इंडियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ मैसूर हो, ये सब जो है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था विस्तार से, है ना। अब आते हैं चौथे चरण में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं, ठीक है। SWN, ये इन्होंने 10 बार पूछ लिया, 10 बार नहीं, 3 और 3 6 7 बार। सर जी एमपीपीएससी के लिए सीबीएसई, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूं, सीबीएसई नहीं होता है, सीबीएसई होता है, सीबीएसई होता है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। दूसरी बात, सीबीएसई की बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ना या एमपी बोर्ड की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एमपी बोर्ड या सीबीएसई किसी बोर्ड की नहीं होती, एनसीईआरटी किसी बोर्ड की नहीं होती है। तो ये जब किसी बोर्ड की नहीं होती है, ये एक आप ये समझ लीजिए कि भारत सरकार का एक पब्लिकेशन है और उसके तहत ये किताब छपती है। अब किसी भी बोर्ड को चलाना है एनसीईआरटी की किताबें, तो वो बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि वो चलाए या ना चलाए, ठीक है। तो ये आपको समझना है, एनसीईआरटी एमपी सीबीएसई की ये कह सकते हैं आप कि मैं सीबीएसई बोर्ड में जो किताबें चलती वो पढ़ूं या जो एनसीईआरटी जो एमपी बोर्ड की चलती वो पढ़ूं, ये आप कह सकते हैं। वो किसी बोर्ड से रिलेटेड नहीं होती हैं। वो आपको करना क्या है, आप एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड मानक पुस्तक होती है हर क्लास के हिसाब से, वो आप ले लीजिए, कोई भी बोर्ड के चक्कर में मत पड़िए, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो एमपी बोर्ड, उसके चक्कर में मत पड़िए, कंटेंट आपको वही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ज्यादातर बोर्ड आजकल एनसीईआरटी की किताबें ही चला रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको क्या करिए, आप एनसीईआरटी पब्लिक, आप किताब वाले से दुकान में ये मत बोलिए कि मुझे सीबीएसई की दे दो एमपी बोर्ड की, आप एनसीईआरटी बोल दो तो वो दे देगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों फोर्थ पेज में, चौथे चरण में, क्लियर हो गया। फोर्थ पेज जो है चौथा चरण भारत में बैंकों के इतिहास का, बैंकों के विकास का। ये जो बैंकों का विकास है दोस्तों, ये मोस्ट वेलकम, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं इसको फोर्थ पेज को लेता हूं, चतुर्थ चरण भारत में जो बैंकों का विकास, हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1806 में एक प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई, कौन सी प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, हालांकि उसका शुरुआत का नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था, 1809 में उसका बैंक ऑफ बंगाल हो गया। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया 1840 में, कौन सा बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा हमने 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ मद्रास। ये हम लोगों ने तीन प्रेसिडेंसी बैंक डिस्कस किए, ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक जो थे दोस्तों, ये तीनों को क्या कर दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो तीनों बैंकों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ये तीनों बैंक क्या हो गए, मर्ज हो गए, और इसका इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इनका नाम क्या हो गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये अभी हम आगे इसको और भी विकास पढ़ेंगे। आज जिसे हम SBI के नाम से जानते हैं ना, 1955 में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल SBI बन गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया।
तो ये 1921 में ये क्या हो गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कब, 1921 में, 1921 में। तब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, तब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही, ये इसके कई रोल थे। ये कॉमर्शियल बैंक की भूमिका निभाता था। कॉमर्शियल बैंक का मतलब आप ये समझिए, जिनको नहीं पता कॉमर्शियल बैंक का मतलब, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक का मतलब ये होता है कि उसका काम क्या है, व्यापार करना। उसका काम क्या है, व्यापार करना। और व्यापार करना स्वाभाविक सी बात है, आप सभी जानते हैं कि व्यापार करने का मतलब ये होता है कि भैया हमें लाभ कमाना है, हम लाभ के उद्देश्य से हैं यहां। दूसरा इसकी भूमिका, ये चूंकि आरबीआई हमारे यहां पर नहीं था, तो ये एक केंद्रीय बैंक की भूमिका भी निभाता था, सेंट्रल बैंक की भूमिका। आज वर्तमान में जो केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निभाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है। तो ये जो है केंद्रीय बैंक की भी भूमिका निभाता था, यानी कि कॉमर्शियल बैंक भी के रूप में भी कार्य करता था और केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करता था। और इतना ही नहीं, ये बैंकर ऑफ द बैंक, बैंकर ऑफ द बैंक के रूप में भी कार्य करता था। क्योंकि केंद्रीय बैंक है तो बैंकर ऑफ द बैंक के रूप में भी कार्य करता था, बैंकों का बैंक, जैसे कि आज आरबीआई है। तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में जो स्थापित हुआ, तो 1935 तक ये तीनों कार्य इसके चलते रह गए, कॉमर्शियल बैंक भी, केंद्रीय बैंक भी और बैंकर ऑफ द बैंक भी। तो ये 1921 में। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि यही जो है 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हो जाता है, जब इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है तो नाम भी इसका परिवर्तित कर दिया जाता था। तत्कालीन रूप से ये प्राइवेट बैंक ही हुआ करते थे, ये निजी बैंक थे। ऐसा नहीं, इवन जो आरबीआई खुला था, आरबीआई भी प्राइवेट बैंक के रूप में ही खुला था, सरकार की पूंजी लगी हुई थी लेकिन वो अल्प मात्रा में थी, इतनी पूंजी नहीं थी कि उसको सरकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कह दिया जाए। जैसे आज एसबीआई भी है, तो एसबीआई पूर्णतः सरकारी नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। ये क्या है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक निजी बैंक ही हुआ करते थे। लेकिन इस निजी बैंक को भी केंद्रीय बैंक की भूमिका का दर्जा दिया गया था। इवन आरबीआई जब 1935 में स्थापित हुआ, तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो केंद्रीय बैंक की भूमिका थी, ये आरबीआई ने ले लिया, तब भी निजी बैंक ही था। तो चौथे चरण में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और इसी चरण में स्वतंत्रता तक हम चुकी पढ़ रहे हैं, तो चतुर्थ चरण में ही 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आरबीआई। अब हम पढ़ेंगे आरबीआई, जो कि बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, काफी वक्त भी इसमें लगेगा, आरबीआई डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी चरण में, चौथे चरण में ही बैंकों के विकास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना होती है, ठीक है। सो अब आते हैं कहां पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के टॉपिक में। भारतीय रिजर्व बैंक के टॉपिक को पढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टेट सर्विस एग्जाम के मेंस के लिए मेरे जो कोर्सेस हैं आप पढ़ सकते हैं, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 के सभी यूनिट। ये अभी चल भी रहा है, लाइव भी है, 9:45 AM से लाइव रिकॉर्डेड, आप जब भी आपके पास वक्त हो क्लासेस देख सकते हैं। एमपीपीएससी प्री के लिए यूनिट नंबर 5 कंप्लीट कर रखी है मैंने, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 10 मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने ये जो है यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो ये कोड है PANDEY, इस कोड का प्रयोग करके अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ये प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, तो जिन्होंने फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, एक बार जाकर के फॉलो कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ये कम्युनिटी है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, फ्री क्लासेस भी, आप PDF भी आपको कम्युनिटी पर ही मिलेगी, और इस कोड का प्रयोग करके आप फ्री क्लासेस भी मेरी प्रोफाइल पर देख सकते हैं, प्लस क्लासेस भी मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आपको अभी ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा, रेफरल कोड PANDEY, इस कोड का प्रयोग करके आप डिस्काउंट भी प्राप्त कीजिए, और 6 मंथ्स एक्स्ट्रा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, इस रेफरल कोड का जरूर प्रयोग करें, PANDEY, जिससे इंस्टेंट डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं कहां पर, आप अपने टॉपिक पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक में आते हैं, आरबीआई के टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। आरबीआई के टॉपिक में जो हमें डिस्कस करना है, मल्टीपल चीजें इसमें डिस्कस करना है,
इसमें हम आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, आरबीआई का इवोल्यूशन कैसे हुआ यानी कि विकास कैसे हुआ, किस समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन हुआ, कैसे गठन हुआ, कितनी पूंजी के साथ गठन हुआ, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, अभी वर्तमान में कहाँ पर है, इससे संचालित कैसे होता है, इसका आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड क्या होता है, आरबीआई के कार्य क्या होते हैं, ये विस्तार से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई का स्थापना, आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड, आरबीआई के कार्य, ये हम लोग सब विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यदि हम स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो इवोल्यूशन है उसका इवोल्यूशन 1926 से लगाया जा सकता है। कब से लगाया जा सकता है? 1926 से इसका इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है लगाया जा सकता है। जस्ट अ सेकेंड, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड चेक किया जाए कि भाई ये कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आरबीआई स्थापित हुआ, तो हम पाते हैं कि आरबीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो 1926 से इसकी शुरुआत हम पढ़ सकते हैं। 1926 से इसकी शुरुआत हम कैसे पढ़ सकते हैं कि 1926 में, मैं एक बार पढ़ देता हूं, भारतीय रिजर्व बैंक की उत्पत्ति का पता 1926 में लगाया जा सकता है जब भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन, याद रखिएगा, रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फिनांस, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस, एक आयोग बना था जिस आयोग को कहते हैं रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फिनांस, जिसे हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं। आप सभी इस नाम को से चिर परिचित होंगे। किस नाम से जानते हैं? हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं। ये हिल्टन यंग कमीशन का गठन 1926 में हुआ था। रॉयल कमीशन भी इसको कहते हैं, रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फिनांस, इसी को हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है। याद रखिएगा, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस को हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है, में भारत के लिए मुद्रा के नियंत्रण को अलग करने के लिए सरकार से ऋण और पूरे देश में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक के निर्माण की सिफारिश की। इसका मतलब समझिएगा मेरी बात को, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन, जिसे हम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस यानी कि भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन कहते हैं, इस कमीशन ने सिफारिश की कि भारत का एक अलग से केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो करेंसी को रेगुलेट करे, जिसके पास करेंसी जारी करने यानी कि करेंसी का नियंत्रण हो, मुद्रा का नियंत्रण हो, और सरकार का जो है ऋण और साथ ही साथ पूरे देश में लोगों के पास तक ऋण सुविधाएं पहुंचाने और पूरे देश की बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक के रूप में स्थापना की जाए, एक केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, यह हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था। तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर 1934 के एक अधिनियम पारित किया गया यानी कि कानून पारित किया गया। ये क्या है? एक कानूनी संस्था है। इसका उल्लेख, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये कानूनी संस्था है, ये एक स्टेटरी बॉडी है जिसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक की स्थापना की, मीन्स इस अधिनियम ने रिजर्व बैंक की स्थापना की और 1935 में संचालन की शुरुआत में परिणत होने वाली कार्रवाइयों को गति दी। यानी कि जो 1934 में स्थापित अधिनियम पारित हुआ, इसने 1935 में एक स्टेटरी बॉडी के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित कर दिया। तब से भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र की प्रकृति के बदलाव के साथ रिजर्व बैंक की जो भूमिका है उसके भूमिका में भी बदलाव आया। चूंकि 1900 तत्कालीन रूप से जब बैंक स्थापित हुआ था 1934 में, तब उस समय हम स्वतंत्र भी नहीं हुए थे, और स्वतंत्र भी हुए तो उसके बाद बैंकिंग व्यवस्था का कैसे विकास हुआ, कितना कंट्रोल था सरकार का, आज वर्तमान दशाएं उस समय की 100 साल पहले की वर्तमान दशाओं में काफी अंतर आ चुका है, तो इसकी भूमिका, इसका रोल, इसके इसमें काफी परिवर्तन आया, ठीक है। सो ये इसमें एक दो तीन चीजें आपको याद रखनी। पहली चीज कि आरबीआई का जो गठन है हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन को हम रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फिनांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फिनांस, यानी कि भारतीय मुद्रा पर
भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन कहते हैं, इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर 1926 में 1926 में जो रिकमेंडेशन दी, इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 में पारित हुआ और इसी आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग एक स्टेटरी बॉडी के रूप में, सांविधिक संस्था के रूप में, वैधानिक संस्था के रूप में 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, ये याद रखना आप सभी को। तो हिल्टन यंग ये कुछ लिखा भी है, आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार 1935 में 1900 हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर, अब इसमें जो शुरुआती पूंजी थी यानी कि बैंक खोलने के लिए कितना रुपया लगाया गया था, तो बैंक खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब 5 करोड़ की बैंकों के संदर्भ में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय 5 करोड़ की वैल्यू काफी थी और 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल लगी थी। तो क्या ये 5 करोड़ सरकार ने लगाए थे? सरकार ने 5 करोड़ नहीं लगाए थे, अभी हम डिस्कस करेंगे। ये एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित हुआ था, आज ये सरकारी बैंक है, लेकिन जब ये स्थापित हुआ था तब ये प्राइवेट बैंक था, ये सरकारी बैंक के रूप में स्थापित नहीं था, ये एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित था। सरकारी बैंक कब हुआ? ये सरकारी बैंक हुआ 1949 में, 1949 में, जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण करने का मतलब यह है कि उसे राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर लेना। तो अब किसी पूंजी को, कोई प्राइवेट पूंजी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट बैंक है, तो सरकारी कैसे हुआ होगा, राष्ट्रीयकरण कैसे कर दिया? स्वाभाविक सी बात है कि उसको सरकार ने खरीद लिया, उसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर ली, उसके शेयर जो है सरकार ने खरीद लिए। प्राइवेट शेयर्स हैं, सरकार ने सभी शेयर खरीद लिए, सरकारी हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइज हो गया 1949 में। हालांकि ये जब स्थापित हुआ था शुरुआत में, तो शुरुआत में ये बॉम्बे में स्थापित हुआ था, कहां पर स्थापित हुआ था? कोलकाता में स्थापित हुआ था। याद रखना है कि जब यह स्थापित हुआ था तो कहां पर स्थापित हुआ था? कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे, आरबीआई के, वो कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर बने, यानी कि क्योंकि ऑसबॉर्न स्मिथ भारतीय नहीं थे, इंडियन नहीं थे, जो फर्स्ट इंडियन इसके बने, जो भारतीय गवर्नर बने, वो सीडी देशमुख बने थे। मैं एक बार यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैं आपको कनेक्ट कर देता हूं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर हुई, ये याद रखना है, हिल्टन यंग कमीशन। इसको क्या कहते हैं? रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फिनांस, एंड फिनांस। ये कब का है? 1926 का। एक्ट कब बना? एक्ट बना 1934 का। स्थापना कब हुई, स्थापित कब हुआ ये एस्टेब्लिशमेंट? तो स्थापना जो हुई 1935 में, कब हुई? 1935 में। स्थापना शुरुआत में कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। स्थापना कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। तो ये बॉम्बे कब आया? 1937 में बॉम्बे आया। तो इसका अभी वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? बॉम्बे में है। वर्तमान स्थिति तक अभी तो है कहां पर है? बॉम्बे में है, जो हमारी कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में जानी जाती है, बॉम्बे। और ये जो है, इसके जो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर बने थे वो कौन बने थे? फर्स्ट आरबीआई गवर्नर वाज ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर, जो पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर, पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर जो बने वो थे सीडी देशमुख। क्या थे? सीडी देशमुख, याद रखना आप सभी को, सीडी देशमुख। ये क्या था? ये एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित हुआ था। ये क्या था? एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित हुआ था। इनिशियल कैपिटल, जो शुरुआती पूंजी थी, वो कितनी शुरुआती पूंजी के साथ बैंक स्थापित हुआ था? शुरुआती पूंजी 5 करोड़ की शुरुआती पूंजी के साथ स्थापित हुआ था। कितनी पूंजी के साथ? 5 करोड़ की शुरुआती पूंजी के साथ ये बैंक स्थापित हुआ था। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप सभी को याद रखना है।
एक बार पुनः मैं आप सभी को ऑल क्लियर। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुआ। इस हिल्टन यंग कमीशन को हम भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन कहते हैं। इस हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया, सिफारिश की कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो केंद्रीय बैंक हो, जो जिसका कंट्रोल करेंसी पर हो। चूंकि इंपीरियल बैंक सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा रहा था, लेकिन इंपीरियल बैंक कॉमर्शियल फंक्शन भी करता था। उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य यह था कि हम वाणिज्य करें, यानी कि व्यापार करें। तो एक कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई आज वर्तमान में कॉमर्शियल बैंक नहीं है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक नहीं है। तो एक कॉमर्शियल बैंक की भूमिका निभाने वाला बैंक एक केंद्रीय बैंक की भूमिका कैसे निभा सकता है? बैंक को तो इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया कि करेंसी पर कंट्रोल करने के लिए, भारत में बैंकिंग व्यवस्था को विस्तार करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। तो उस सिफारिश के आधार पर 1934 में एक अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम कब का है? अधिनियम 1934 का है। अधिनियम 1934 में पारित हुआ। शुरुआत में ये जब स्थापित हुआ था तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। 1937 में ये कहां चला गया? बॉम्बे चला गया। वर्तमान में अभी तक बॉम्बे में ही है। इसके पहले आरबीआई यानी कि फर्स्ट गवर्नर जो थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो पहले आरबीआई गवर्नर, जो फर्स्ट इंडियन थे यानी कि आरबीआई के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे, वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है। और ये प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित हुआ था। इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी, पूंजी थी, वो 5 करोड़ की पूंजी के साथ ये स्टार्ट हुआ था। 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सो थोड़ा सा एक बार और हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पढ़ लेते हैं। 1926 में मैंने आपको बताया कि 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने यह रिकमेंड किया कि एक बैंक इस केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापना होनी चाहिए, जिसको हम केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे। 1931 में भी, 1934 के पहले 1931 में भी एक और कमेटी बनी थी जिसका नाम था इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। उसने भी ये कहा कि भैया जो रॉयल कमीशन ने कहा है उसके अनुसार, रॉयल कमीशन ने जो सिफारिश की है, हिल्टन यंग कमीशन ने भी सिफारिश की है, हिल्टन यंग कमीशन ने जो सिफारिश की है, तो इसको हम भी वही मांग दोहराते हैं 1931 में कि भैया ये एक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जानी चाहिए। अल्टीमेटली 5 मार्च 1934 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 पारित हुआ, जो कि स्टेट्यूटरी बेसिस प्रोवाइड किया, जिसने सांविधिक रूप से आधार प्रदान किया और इस प्रकार से बैंक का स्थापना हुई। इसके बाद 1949 में, 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम। और इस बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए इस आरबीआई को पावर्स प्रोवाइड कर दिए गए, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर देश की बैंकिंग व्यवस्था को विनियमित करने के लिए, देश की बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए इस बैंकिंग विनियमन अधिनियम का पारित किया गया 1949 में। और इस बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार आरबीआई को बड़े व्यापक पैमाने पर अधिकार दिए गए, पावर दिए गए, शक्तियां दी गई कि इसके तहत जो है आरबीआई रेगुलेट कर सके पूरी बैंकिंग व्यवस्था को। थोड़ी सी आरबीआई के बारे में हम और पढ़ते हैं दोस्तों। आरबीआई का हमने ये डिस्कस किया कि आरबीआई जब स्थापित हुआ था तो ये प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित हुआ था। आरबीआई जब स्थापित हुआ था तब एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित हुआ था। हाँ, ये यहां पर एग्जैक्ट रूप से है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं। आरबीआई डिड नॉट स्टार्ट एज अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, यानी कि शुरुआत में आरबीआई सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में स्थापित नहीं हुआ था। इट बट अ प्राइवेटली हेल्ड बैंक विदाउट मेजर गवर्नमेंट ऑनरशिप। इवन गवर्नमेंट का एक ये होता है, देखिए एक ये होता है कि भैया ठीक है आप हमारा बैंक है, हम पूरी पूंजी लगा देते हैं। दूसरा ये होता है कि हम बिल्कुल पूंजी नहीं लगाए तो प्राइवेट बैंक हो जाएगा। और दूसरी एक और चीज होती है कि ठीक है हम पूंजी कुछ लगा देते हैं,
लेकिन बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगाएंगे, थोड़ी बहुत लगा देंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत लगा देते हैं। तो वही आरबीआई के साथ है, सरकार ने थोड़ी बहुत पूंजी लगा दी। कितनी पूंजी लगा दी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ स्टार्ट हुआ था, और गवर्नमेंट के शेयर पता कितने के थे? मात्र 2.2 लाख के, 2.20 लाख के। 5 करोड़ में 2.20 लाख सरकार ने खरीदा, सरकार ने लगाया था। अब आप बताइए कि जहां 5 करोड़ की पूंजी हो वहां पर कोई 2 लाख रुपए लगाए तो कितनी कितनी बात है। मीन्स ये है यहां पर कि इसके जो शेयर थे कैसे डिवाइडेड किए गए थे, इट स्टार्टेड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़। 5 करोड़, अच्छा 5 करोड़ के शेयर कैपिटल के साथ। शेयर कैपिटल का मतलब यह कि किसी एक की हिस्सेदारी नहीं थी इसमें, सबका मिला करके कितने रुपए का शेयर थे? एक शेयर 100 रुपए का था। एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का शेयर था, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड। इन द बिगिनिंग दिस एंटायर कैपिटल वाज ओन्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स। हम जैसे हम तो नहीं, पर मींस प्राइवेट ऑनर्स के द्वारा जो है ये शेयर्स खरीदे गए। कितने के? 4,97,00,000। कितना बचा? 4,97,08,000। 4,97,08,000 रुपए के शेयर जो हैं ये प्राइवेट निजी व्यक्तियों के द्वारा खरीदे गए, और 2,20,000 के जो शेयर हैं वो सरकार ने लिए। 2,20,000 के जो शेयर हैं वो सरकार ने लिए, ठीक है। नहीं, आपका भी शासन है इसलिए मैं अभी नहीं आ रहा हूं, जब आपका शासन समाप्त होगा तो हमारा शासन शुरू होगा, ठीक है योगी आदित्यनाथ जी। तो आपका नाम ही बता रहा है कि भैया हमारा शासन रहेगा। एनीवे, सो ये आपका 2,20,000 रुपए जो है, 2,20,000 रुपए के शेयर सरकार ने लिए, और बाकी 4,97,08,000 रुपए के शेयर जो है प्राइवेट ने लिए। अब इसका जो है, लेकिन ये कब? 1934-35 की बात है, लेकिन 1949 में ये बैंक पूरी तरह से सरकारी हो गया। अब ये कैसे हुआ 1949 में पूरी तरह से सरकारी? एक प्राइवेट बैंक जिसकी 5 करोड़ की पूंजी में से मात्र 2.5 लाख रुपए भी पूंजी नहीं लगी थी सरकार की, वो 1949 में पूरी तरह से शासकीय हो गया। कैसे? 1949 में एक अधिनियम पारित किया गया था, एक एक्ट पारित किया गया था, 1949 में नहीं बल्कि 1948 में। 1948 का एक अधिनियम है, और उस अधिनियम का नाम क्या है? उस अधिनियम का नाम है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948। अधिनियम का नाम क्या है? उस अधिनियम का नाम यह है भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948। यह लागू कब हुआ था? यह 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, आरबीआई को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया, सरकारी संपत्ति घोषित किया गया, वो 1949 में घोषित किया गया, क्योंकि ये लागू 1 जनवरी को हुआ, जबकि अधिनियम जो इसका है, एक्ट जो है, जो कानून पारित हुआ, वो कानून 1948 में पारित हुआ था, ये याद रखना है। और आरबीआई का जो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत नहीं किया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 अलग है, उसके तहत आरबीआई को बैंक को भारत में बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करने की पावर प्रोवाइड की गई थी। लेकिन जिस अधिनियम के माध्यम से एक प्राइवेट आरबीआई बैंक की पूरी की पूरा का स्वामित्व जो है प्राइवेट ऑनरशिप से लेकर के सरकार के गवर्नमेंट के ऑनरशिप में लाया गया, वो अधिनियम 1948 का है, और उस अधिनियम का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948। इसके आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंक की पूंजी के सभी शेयरों को भुगतान पर केंद्र सरकार को हस्तांतरित माना गया, यानी कि सभी के सभी शेयर जो मैंने आपको बताया ना, इधर इधर बताया कि 4,97,08,000 के शेयर प्राइवेट होल्डर्स के थे, ये पूरे के पूरे, बाकी 2,20,000 के सरकार के थे, बाकी के भी शेयर सरकार ने ले लिए, और यानी कि उनको ट्रांसफर माना गया। All shares in the capital of the bank were deemed transferred to the central government on payment of suitable compensation. ऐसा नहीं कि फ्री मेल सरकार ने कह दिया कि भैया आज से हमारा, बहुत होते हैं ना कि आपको बहुत जगह आपको मिल जाएंगे कुछ
मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष में, कि जब कमजोर पक्ष होता है तो कोई मजबूत पक्ष आता है, कहता है वहां पर झंडा कि भैया आज से हमारा कर लो जो करना है। ऐसा सरकार ने नहीं किया। सरकार ने जो उसका कंपनसेशन होता है, जो हर्जाना होता है, जो आवश्यक शेयर की पूंजी थी और शेयर की पूंजी जो है वो ट्रांसफर कर दी, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप को, जो प्राइवेट होल्डर्स थे जिनके पास जिनकी पूंजी लगी हुई थी उनको वापस कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ ये, यानी कि 1949 में 1 जनवरी 1949 को पूर्णतः सरकारी बैंक बन गया, पूर्णतः क्या सरकार का पूर्णतः स्वामित्व वाला बैंक बन गया। ठीक है, और 1949 में जैसा मैंने बताया कि 1949 में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम है बैंकिंग कंपनीज एक्ट। वर्तमान में हम इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो 1949 में पारित हुआ था, इसी का बाद में नामकरण हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसके तहत आरबीआई को भारत में बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करने की, विनियमित करने की शक्ति दे दी गई थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से। एक निजी शेयर धारकों के रूप में शुरू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद एक नए स्वतंत्र देश और उसके लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि आरबीआई ही पूरे देश में बैंकिंग व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, तो इसको जिम्मेदारी दी गई कि भैया हमारे देश की कुछ आकांक्षाएं विकास की, डेवलपमेंट की, तो ये आपके हवाले हैं बैंकिंग व्यवस्था को लेकर के विशेष करके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य सरकार और केंद्रीय बैंक की नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बैंक था, तो प्राइवेट बैंक की अलग कॉन्सेप्ट होता है, उनका तो प्रॉफिट का मेन उद्देश्य होता है। तो इसको केंद्रीकृत बैंक बनाया गया, राष्ट्रीयकृत बनाया गया, कि आपका काम लाभ कमाना नहीं है, आपका काम क्या है, देश का कल्याण है, देश का विकास है, और देश के विकास में जो सरकार की नीतियां बनती हैं उन नीतियों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाएं जिससे देश विकास की गति को प्राप्त, जिससे देश विकास की गति को प्राप्त कर सके। ठीक है, सो ये आपका, इसका नाम क्या था, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से बैंक को, इसको विकसित, इसको शक्तियां भी दे दी गई कि बैंकों का विकास करे, भारत में बैंकों को रेगुलेट करे। सो यानी कि इसका उद्देश्य, जैसे हमारे संविधान में प्रियम्बल लिखा गया है, वैसे इसका भी प्रियम्बल है, इसका भी उद्देश्य का है, इसके भी प्रस्तावना है। ये क्या है, प्रस्तावना, उद्देशिका। और हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि भाई संविधान के उद्देश्यों को बताती है, सेम उसी प्रकार से इसकी भी प्रस्तावना, इसकी उद्देशिका जो है कि आरबीआई करना क्या चाहता है, क्यों स्थापित हुआ, आरबीआई का उद्देश्य क्या है, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, यानी कि भारत में बैंकों के जो नोट होते हैं उन नोट को जारी करने को नियंत्रण करना, रेगुलेट करना, कीपिंग ऑफ रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, टू हैव अ कॉमन मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंजेज ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। आरबीआई का कार्य क्या है, यही इसका प्रियम्बल है। आरबीआई की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि देश में मौद्रिक स्थिरता हो। मौद्रिक स्थिरता का मतलब ये होता है दोस्तों, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, कि ना मुद्रा का प्रवाह ज्यादा हो और ना मुद्रा का प्रवाह कम। मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा तो मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, और मुद्रा का प्रवाह कम होगा, सॉरी, मुद्रा का प्रवाह यदि ज्यादा होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा है, और जब पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो पैसा ज्यादा है और सप्लाई कम हो पा रही है, तो उस स्थिति में क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाएंगे। और यदि मुद्रा का प्रवाह कम है और सप्लाई ज्यादा है तो उस स्थिति में क्या होगा, सस्ते दामों पर मिलेंगे, हर चीज सस्ती हो जाएगी, यानी कि मुद्रा स्फीति कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करना, और एक मात्रा जो बैलेंस्ड मात्रा है, वो बैलेंस्ड मात्रा सरकार में मुद्रा की बनी रहे। इसके साथ साथ कि जो हमारे अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं, वो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या हैं, अर्थव्यवस्था की चुनौतियां ये हैं कि हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए आवश्यक ये है कि डिमांड मार्केट में बनी रहनी चाहिए। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा, क्योंकि आप एक और चीज देखिए, देश में यदि रोजगार ज्यादा से ज्यादा है इसका मतलब लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, और जब ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन क्रिएट बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पुनः रोजगार के सृजन की आवश्यकता होगी। तो ये क्रम जो है चलता रहेगा और इससे एक बेहतर जो है बेहतर दिशा में देश जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो ये आपका उद्देश्य है आरबीआई का। अब आरबीआई का संचालित कैसे होता है, आरबीआई कार्य कैसे करता है, आरबीआई के डिसीजंस कौन लेता है, क्या सरकार की भूमिका होती है आरबीआई के डिसीजंस में, ये हम लोग देखते हैं। आरबीआई का एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पर पहले बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आरबीआई का स्ट्रक्चर है छोटा सा, शायद प्रॉपर तरीके से आपको ना दिख रहा हो, मैं आरबीआई का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बता देता हूं, यदि ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना तो आपको बाकी चीजें आरबीआई की बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, यानी कि मैं केंद्रीय बोर्ड जो आगे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आरबीआई की संरचना, किसी भी ऑफिस में किसी भी कार्यालय की उसकी कुछ संरचना होती है, ऊपर के कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, ऊपर के कार्यालय के वो लोग जो है डिसीजन लेते हैं, और नीचे कर्मचारी वर्ग होता है, ऐसा ऐसा ही होता है। तो आरबीआई में कैसा होता है, आरबीआई का सबसे ऊपर होता है आरबीआई का एक केंद्रीय बोर्ड, क्या होता है आरबीआई का एक केंद्रीय बोर्ड सबसे ऊपर, ये सबसे बड़ा डिसीजन मेकर होता है, इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। इसमें 21 लोग होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से 21 लोग होते हैं, कौन से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है आरबीआई में डिसीजन लेने के लिए। इसके बाद नीचे जो, जैसे आप ये समझिए, आप वैसा ही समझिए जैसे हमारे देश में मंत्रिमंडल होती है और फिर प्रधानमंत्री हेड होता है, वैसे ही आप समझिए, और फिर नीचे मंत्री होते हैं, तो वैसे ही आप समझिए कि केंद्रीय बोर्ड होता है, केंद्रीय बोर्ड के नीचे ये गवर्नर, इस केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्षता भी आरबीआई गवर्नर ही करता है, गवर्नर होता है आरबीआई का, गवर्नर के नीचे फिर डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, डिप्टी गवर्नर्स जैसे हमारे देश में कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं तो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, फिर इसके बाद नीचे जो होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, जो ये तो नीतियां ये क्या है, ये डिसीजन लेते हैं और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर नीचे आपके डायरेक्टर्स होते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स यानी कि कार्यपालिक निदेशक होते हैं, इसके नीचे प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर होता है, मुख्य जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर होता है, इसके नीचे आपका चीफ जनरल मैनेजर होता है, चीफ जनरल मैनेजर्स, इसके नीचे आपका जनरल मैनेजर्स होते हैं, जीएम जिसे कहा जाता है, इसके नीचे डिप्टी जनरल मैनेजर होते हैं, डीजीएम होते हैं, इसके नीचे असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं, एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स के नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, और असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सपोर्ट स्टाफ होता है, क्या होता है सपोर्ट स्टाफ। ये इस प्रकार से कुछ इसकी, इस प्रकार से कुछ आरबीआई का कुल मिलाकर के जो ऊपर डिसीजन मेकर होते हैं, वो ऊपर डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, वो ऊपर डिसीजन मेकर्स ये आपके ये वाले केंद्रीय बोर्ड, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव, ये प्रमुख रूप से यहां वाला तीन तक, ये यानी कि केंद्रीय बोर्ड, आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड, और इसके अलावा गवर्नर और डिप्टी गवर्नर। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को, इसी में आ जाएंगे गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की भी आ जाएगा, कौन अपॉइंट करता है, कैसे होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आरबीआई के का जो केंद्रीय बोर्ड होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 21 लोग होते हैं, आरबीआई का जो जो जनरल सुपरिटेंडेंस है यानी कि अधीक्षण है, और जो निदेशन का शक्ति होती है वो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के पास होती है। आरबीआई का जो कामकाज है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा शासित होता है, भारत सरकार रिजर्व बैंक और अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है,
यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है इस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करने का, इस बोर्ड में नियुक्ति करने का। नियुक्ति जो है, नामन जो है, नॉर्मली 4 वर्ष के लिए होता है। कैसे? इसमें 2 प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो सरकारी और दूसरे गैर सरकारी। जो सरकारी होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं, इसमें गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर, यानी कि 1+1+4, एक गवर्नर आरबीआई का और 4 डिप्टी गवर्नर। इसके अलावा गैर सरकारी निदेशक जो होते हैं वो सरकार यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से, कोई कृषि क्षेत्र से संबंधित हो गया, कोई बैंक क्षेत्र से संबंधित हो गया, कोई वित्त के क्षेत्र से संबंधित हो गया, कोई इंश्योरेंस के क्षेत्र संबंधित, ऐसे। तो इसमें सरकार द्वारा नामित होते हैं ये विभिन्न क्षेत्रों के 10 निदेशक होते हैं। कितने होते हैं? 10। और 2 ऐसे लोग होते हैं जो सरकार के अधिकारी होते हैं, ये एक्चुअल में आरबीआई के रूप में पूर्णकालीन कार्य नहीं करते, तो 2 सरकारी अधिकारी होते हैं, तो यानी कि 10+2 12 12 और 5 17। और 4 जो होते हैं वो आरबीआई के ही कर्मचारी होते हैं, जो 4 आरबीआई के स्थानीय बोर्ड हैं। आरबीआई के स्थानीय बोर्ड भी होते हैं, 4 जगह पर लोकल बोर्ड कहा जाता है इन्हें, एक मुंबई में है, एक कोलकाता में है, यानी कि मुंबई में तो कार्यालय ही है, हेडक्वार्टर ही है, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई, 4 जगह जो है इसके लोकल बोर्ड है। तो इन लोकल बोर्ड के अपने अपने डायरेक्टर्स होते हैं, तो इन लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स भी इस निदेशक बोर्ड में होते हैं, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में होते हैं, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में होते हैं। अब समझिएगा ये 21 कैसे बने, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आरबीआई का जो केंद्रीय बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, इसमें 21 कैसे होते हैं? एक आपका आरबीआई गवर्नर हो गया, ठीक है, एक आपका आरबीआई गवर्नर हो गया, 4 आपके कौन हो गए? 4 आपके डिप्टी गवर्नर हो गए, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हो गए, 4 1 4 5, प्लस इसके साथ साथ 10 आरबीआई के कौन हो गए? 10 जो हो गए वो आपके हो गए सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से नामित व्यक्ति, विभिन्न क्षेत्रों से नामित व्यक्ति, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अच्छे एक्सपीरियंस लोग जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं उनको 10 लोगों को सरकार नामित कर सकती है। तो 10 ये हो गए, प्लस इसके अलावा 2 सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए, तो 2 ऐसे आपके सरकार सरकारी अधिकारी आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं केंद्र सरकार के। और इसके अलावा आपके प्लस 4 कौन होते हैं? 4 आरबीआई के लोकल बोर्ड्स के होते हैं निदेशक, लोकल बोर्ड्स के रिप्रेजेंट करने वाले, जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली में जो 4 बोर्ड हैं, तो 4 यानी कि कितना हो गया? 1 1 4 5 10 15 2 17 और 4 21, टोटल 21 लोग होते हैं आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में। और पूरे आरबीआई का जो देखभाल है, जनरल सुपरिटेंडेंस है, जो एक सामान्य अधीक्षण की शक्ति है, वो अधीक्षण की शक्ति किसके पास है? आरबीआई के इस केंद्रीय बोर्ड के पास होती है, आरबीआई के इस केंद्रीय बोर्ड के पास होती है। जनरल डायरेक्शन सुपरिंटेंडेंस आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के पास होती है। तो ये 4 जो होते हैं, 4 1+1+4 जो होते हैं, ये फुल टाइम होते हैं। फुल टाइम का मतलब ये होता है कि आरबीआई में ही काम करते हैं, आरबीआई के कर्मचारी हैं। इसके अलावा ये अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, बाकी नॉन ऑफिशियल होते हैं, यानी कि जब इनको मीटिंग वगैरह होती है तब इनको बुला लिया जाता है। जैसे कि आपके जो 10 डायरेक्टर होते हैं वेरियस फील्ड से, गवर्नमेंट के 2 ऑफिशियल होते हैं, तो इनको बुला लिया जाता है। इस प्रकार से ये आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड है, इस प्रकार से आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड जो है पूरा आरबीआई का देखभाल करता है, ठीक है। तो 4 बोर्ड मैंने आपको बता दिए, आरबीआई के 4 बोर्ड कौन कौन से हैं? 4 लोकल बोर्ड हैं, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई। स्थानीय बोर्ड क्या करते हैं? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र आपका मुंबई हो गया, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता हो गया, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली हो गया और दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई हो गया। प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, सदस्य 4 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। इनका कार्य होता है, कार्य क्या होता है इनका? टू एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड, यानी कि केंद्रीय बोर्ड को अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं, लोकल मैटर्स, इनके मुद्दों को रिप्रेजेंट करना,
कि इस क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, इस क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, इससे कि आरबीआई एक बेहतर डिसीजन ले सके, क्योंकि आरबीआई केंद्रीय बोर्ड है, पूरे देश के को लेकर के निर्णय लेता है और उसके निर्णय जो है पूरे देश के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसलिए आरबीआई के पास हर क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो आरबीआई के पास पहुंचना चाहिए। तो इसका काम जो है टू एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड ऑन लोकल मैटर्स एंड टू रिप्रेजेंट टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द लोकल कोऑपरेटिव इंडिजीनियस बैंक्स एंड टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज डेलीगेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। यानी कि आरबीआई का काम यह है कि सेंट्रल बोर्ड को जो लोकल बोर्ड्स हैं उसका काम यह है कि सेंट्रल बोर्ड को वो एडवाइस करे, क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन करे, जो आर्थिक हित हैं क्षेत्रीय उनको रिप्रेजेंट करे, लोकल कोऑपरेटिव्स और जो देसी हमारे देश के बैंक हैं उनकी समस्याओं को लेकर के वहां पर बताएं, ये जिससे कि आरबीआई बेहतर डिसीजन ले सके। तो ये आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड हो गया। अब इसके बाद आते हैं कहां पर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या किस प्रकार से आरबीआई आरबीआई की निगरानी जो है, प्राथमिक अधिकार किसके पास है, केंद्रीय बोर्ड के पास होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य, आरबीआई शुरुआत में तो कुछ ही कार्य थे, आरबीआई शुरुआत में तो कुछ कार्य ही थे, लेकिन जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, आरबीआई के कार्य की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है, आरबीआई के कार्य का दायरा भी जो है, आरबीआई के कार्यों का दायरा भी बढ़ता जाता है। आरबीआई अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करता है, अलग अलग दिशाओं में आरबीआई कार्य करता है। और जैसे आज यदि मैं बात करूं तो जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, जब हुई रही होगी, हुई रही कब, 1935 में, तब क्या डिजिटल पेमेंट का कॉन्सेप्ट आया होगा? डिजिटल पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तब डिजिटल पेमेंट का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। तो जब डिजिटल पेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो आज आरबीआई डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा देता है, वो भी एक कार्य है। तो यानी कि आरबीआई का कार्य जो है वो दिन प्रतिदिन, उसका कार्य का जो दायरा है, कार्य क्षेत्र जो है, उसकी जो भूमिका है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसकी जो भूमिका है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करता है। अब मौद्रिक नीति क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र का विनियमन भी करता है, पर्यवेक्षण सुपरविजन भी करता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनको अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। बैंकिंग क्षेत्र का सुपरविजन भी करता है कोई भी देश में। देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, हम और आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और एक बड़ी उम्मीद के साथ बैंक में पैसा जमा करते हैं कि हमारा पैसा जो है वो बैंक में सेफ रहेगा, और क्या हम इस बात को मानते हैं कि सेफ रहेगा? और हम ये कहते हैं कि बैंक हमें जो है उचित ब्याज भी देगा, हो सकता है बैंक लेकर के भाग जाए हमारा पैसा, ऐसा होता है क्या? बैंक के ऊपर हम विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो बैंकिंग व्यवस्था उसका रेगुलेशन आरबीआई के पास है। कोई भी ग्राहकों का जो विश्वास है वो ग्राहकों का विश्वास देश की बैंकिंग व्यवस्था से नहीं टूटना चाहिए, ये आरबीआई का दायित्व है। और इसीलिए आरबीआई बैंकों को समय समय पर जो जो भी एडवाइजरी होती है, जो भी कानूनी काम होते हैं, वो सब आरबीआई समय समय पर बैंकों को बताता रहता है कि भैया आप उतने ही दायरे में रहें जिससे जनता का विश्वास बना रहे, हर चीज के संबंध में एक ट्रस्ट है, क्योंकि देश की बैंकिंग व्यवस्था यदि मजबूत होगी तो देश विकास करेगा, अदरवाइज विकास नहीं। हमारी छोटी छोटी सी बचत जो होती है, हमारे जो 100 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की यदि बचत हम करते हैं और वो बैंक में जमा होती है, वो पैसा देश के क्रेडिट सिस्टम को बेहतर करता है जिससे हमारे देश की ग्रोथ होती है। तो ये जो विश्वास है, ये विश्वास ट्रस्ट है लोगों का देश की बैंकिंग व्यवस्था में, ये बहुत मजबूत होना चाहिए, कंसोलिडेटेड होना चाहिए, और इसका सुनिश्चित इसको सुनिश्चित करना आरबीआई का प्राथमिक दायित्व है। बस इसके अलावा देश में जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है, इसका विनियमन भी आरबीआई के पास है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण और नकद का प्रबंधन, ये क्योंकि बैंकर ऑफ द बैंक भी है और बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, बैंकों के लिए बैंक का काम करता है,
जब हमारे लिए तो हम हमें जब पैसा चाहिए होता है तो हम किसके पास जाते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कर्जा ले लेते हैं। लेकिन जब ये बैंक, जब देश के बैंकों को पैसे की जरूरत होगी तो वो कहां से लेंगे, देश के बैंकों को जब पैसे की जरूरत होगी तो वो पैसा कहां से लेते हैं, वो यहीं से लेते हैं, यानी कि आरबीआई उनके लिए बैंकर ऑफ द बैंक के लिए। प्लस इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकर की काम करता है, भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी करता है। हम पैसे ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, घर में बैठे बैठे मोबाइल से ट्रांसफर कर दिए। प्लस इसके अलावा NEFT, RTGS दुनिया भर की चीजें करते हैं। अब इसमें यह भी तो समझिए आप लोग कि ये बैंक पूरा का पूरा सिस्टम बेहतर हो, हमारा पैसा जो जहां पर डाला है वहीं पर गया हो, इसकी निगरानी कौन करता है, ये सेटलमेंट कौन करता है, ये आरबीआई का दायित्व है। मुद्रा प्रबंधन, करेंसी का मैनेजमेंट, अभी आप देखिए कुछ दिन पहले 2000 की नोट जो है आरबीआई ने बंद कर कि भाई अब बंद होगी आरबीआई की नोट, जो बंद क्या है एक्चुअल में, वापस ले जा रही है मार्केट से। पहले पुरानी नोटें बंद की थी 500 और 1000 की। विकासात्मक देश की बैंकिंग व्यवस्था के विकास की भी भूमिका है, अनुसंधान रिसर्च भी करता है, सांख्यिकी आंकड़े भी जारी करता है, यानी कि जो कार्य है वो मल्टी डायमेंशनल है। मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द बैंकिंग, रेगुलेशन ऑफ मनी, फॉरेक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट्स, डेट डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर स्टेट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट कैपिटल, करंट एंड कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट, बैंकर टू बैंक्स, बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ओवरसाइट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, करेंसी मैनेजमेंट, डेवलपमेंटल रोल, रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स, ये सब जो है मल्टी डायमेंशनल इसके कार्य होते हैं आरबीआई के। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिटेल में, लेकिन 2 मिनट का ब्रेक और इसके बाद पुनः डिटेल में। चलिए अब आते हैं इनको डिटेल में, जो आरबीआई के कार्य हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके कि आरबीआई के ये जो कार्य हैं, जैसे मौद्रिक नीति है, बैंकिंग का विनियमन है, पर्यवेक्षण है, मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों का विनियमन है, इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हर एक कार्य को दो दो तीन तीन पॉइंट्स में समझने का, सामान्य तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आरबीआई एक मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में देश में कार्य करता है, यानी कि मॉनेटरी प्राधिकारी के रूप में। अब ये मॉनेटरी प्राधिकारी का मतलब क्या है, मॉनेटरी प्राधिकारी का मतलब यह है कि ये मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है। मीन्स इट फॉर्मुलेट्स, इंप्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द मॉनिटरी पॉलिसी। अब सवाल यह है कि मौद्रिक नीति है क्या? हम कह तो रहे हैं कि मौद्रिक नीति को फॉर्मुलेट करता है, मौद्रिक नीति को इंप्लीमेंट करता है, मौद्रिक नीति को, मॉनिटरी पॉलिसी को मॉनिटर करता है, उसको तैयार करता है, उसको क्रियान्वित करता है, उसकी निगरानी रखता है, पर मॉनिटरी पॉलिसी है क्या? ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है डिटेल में डिस्कस करने का, लेकिन अभी आप ये समझिए, मैं शॉर्ट में आपको इसमें अभी बता देता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी का तात्पर्य है कि ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति जिसके माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को रेगुलेट किया जाता है, लिक्विडिटी ऑफ करेंसी, यानी कि मुद्रा की जो तरलता है उस मुद्रा की तरलता को कंट्रोल किया जाता है। मुद्रा की तरलता का मतलब यह है कि मार्केट में मुद्रा जो का जो प्रवाह है, मुद्रा की जो मात्रा है, वो मुद्रा का प्रवाह कितना होना चाहिए, कितनी कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। मार्केट में ज्यादा पैसा होना भी ठीक नहीं है और मार्केट में कम पैसा होना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे मुद्रा स्फीति पर फर्क पड़ता है, इससे उपभोक्ता यानी कि इन्फ्लेशन पर इफेक्ट पड़ता है, इससे जो आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर को नुकसान भी हो सकता है और प्रोड्यूसर को भी नुकसान हो सकता है। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, तो ना कंज्यूमर को नुकसान हो ना प्रोड्यूसर को नुकसान हो, यानी कि ना उत्पादक को नुकसान हो ना उपभोक्ता को नुकसान हो। इसके लिए देश में ये मॉनेटरी पॉलिसी तैयार की जाती है और इस मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करने की
जिम्मेदारी जो होती है वो आरबीआई की होती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है, मॉनिटर करता है, और साथ ही साथ ये यानी कि पूरे के पूरे जो डायमेंशन है मॉनेटरी पॉलिसी के वो आरबीआई का कार्य। दूसरा कार्य है वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक। देश में जो बैंकिंग का परिचालन होता है, बैंकिंग व्यवस्था जो संचालित होती है, उसके लिए विस्तृत मानदंड यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, पैरामीटर्स डिफाइन करता है, जिससे कि एक मजबूत बैंकिंग व्यवस्था देश में संचालित हो सके, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था देश में स्थापित हो सके, लोगों का जो ट्रस्ट है वो बैंक में बना रहे, और बैंकों की लोगों के लिए जो बैंक जिस लिए आवश्यक है वो बना रहे, यानी कि ना बैंकों का नुकसान हो, ना जनता का पैसा का कोई नुकसान हो, और देश में जो साख है, बैंक क्यों बनाए जाते हैं विशेषकर, कि हम अपनी सेविंग बचा सकें, डिपॉजिट कर सकें और साख का सृजन हो सके, जिससे कि जो आर्थिक समृद्धि है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या मिल सके, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए साख क्रेडिट बेहतर तरीके से मार्केट में बना रहे। तो यही है कि बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यहां पर भी मॉनिटरी अथॉरिटी का भी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, कि प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, यानी कि बैंकिंग व्यवस्था में, बैंकिंग सिस्टम में लोगों का विश्वास बना रहे, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सके, यानी कि जमाकर्ताओं का जो हम डिपोजिट करते हैं पैसा, और बड़े ही आराम से कहते हैं बैंक में हमारा इतना पैसा जमा है, हम क्यों कह पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें अपनी बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास है, ट्रस्ट है, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था, और हम जानते हैं कि बैंक हमारे मजबूत हैं क्योंकि आरबीआई उसकी निगरानी करता है, और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। किफायती में जब हम बात करते हैं किफायती की, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव, कि चूंकि हमारे देश में एक शोषणकारी व्यवस्था और एक्चुअल में समाज में चली आ रही थी, हर जगह थी, कि मनी लेंडर्स हुआ करते थे जो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव, बहुत ही ज्यादा कंवर्सिव इंटरेस्ट लगाते थे, जमीनें वगैरह हड़प ली जाती थी। तो ये मनी लेंडर्स जो थे, जो बिचौलिए थे, जो जमींदार थे, इनसे बचने के लिए एक बेहतर लीगल तरीके से बैंकिंग व्यवस्था को जो है कि जिससे कि कम से कम दर पर लोगों को कर्ज मिल सके, इसके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में बैंकिंग व्यवस्था को विनियमित करता है आरबीआई। जो है आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, हमने डिस्कस किया था कि एक बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित हुआ था 1949 में, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग ये जो है बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करता है। ठीक है, मॉनिटरी अथॉरिटी का भी हमने डिस्कस किया कि विकास का उद्देश्य है कि मार्केट में पैसा भी बना रहे, मार्केट में डिमांड भी क्रिएट होती रहे, जिससे ग्रोथ भी होती रहे, लेकिन मुद्रा स्फीति भी अधिक ना हो। इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी करता है, विदेशी मुद्रा एक्सचेंज होता है, विनियमन होता है, हमारे देश के लोग विदेशों में कमाते हैं, हम विदेश में से आयात निर्यात होता है, तो ये इसका प्रबंधन, और विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी हमें आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, निर्यात में हमें मिलती है लेकिन आयात करने में हमें जो है विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, जैसे पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा, तो और किसी भी देश में यदि विदेशी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यदि बेहतर है तो उस देश में वो माना जाता है कि ये देश जो है बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, यानी कि विकसित विकास कर रहा है, क्योंकि उससे उस पैसे से, उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से वो कभी भी आयात कर सकता है, कभी भी उसकी जरूरत। तो हमारे देश में एक ये विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम बना हुआ है जिसे हम फेरा के नाम से जानते हैं, तो सॉरी फेमा के नाम से, पहले फेरा हुआ करता था, अब ये है फेमा, जो कि 1999 में पारित हुआ था, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंध करता है। उद्देश्य ये होता है कि विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना, जैसे मैंने कहा कि विदेशी व्यापार भी इसे आयात निर्यात पूरा डिपेंडेंट होता है, आयात में हमें विदेशी मुद्रा लगती है और निर्यात, आयात का मतलब कि हम किसी दूसरे देशों से जब कोई भी सामान खरीदते हैं, वस्तु एवं सेवा वहां से मंगाई जाती है, तो ये आयात है, और निर्यात का मतलब, निर्यात का मतलब कि यहां से कुछ भेजा जाता है, बेचते हैं,
तो बेचने में तो हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, लेकिन खरीदने में हमें विदेशी मुद्रा लगेगी। तो को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना। तो मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज की भूमिका में भी रोल रहता रोल होता है इसका। मैनेजेज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, ये जो है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये विदेशी मुद्रा प्रबंधक की भूमिका में भी कार्य करता है। ये हमने डिस्कस किया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पहले फेरा हुआ करता था, मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले फेरा हुआ करता था, जो कि 1973 में का अधिनियम था 1973 का। लेकिन चूंकि 1991 में हमारे देश में आर्थिक सुधार आए, उस समय एलपीजी का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब एलपीजी का कॉन्सेप्ट है। यानी कि इतना ज्यादा एलपीजी प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नहीं था जब 1973 का था, तो रेगुलेशन करना पड़ता था फॉरेन एक्सचेंज का। अब मैनेज करना पड़ता है, प्रबंधन करना पड़ता है विदेशी मुद्रा का, तो इसलिए फीमा फिर 1999 में पारित हो गया। इसके बाद हमने ये देखा कि ये आरबीआई जो है ये बैंकों की बैंकर ऑफ द बैंक की भी भूमिका निभाता है। बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के लिए भी बैंक के रूप में कार्य करता है, राज्य सरकार के रूप में भी बैंक का कार्य करता है, और जो पब्लिक डेट होता है यानी कि सार्वजनिक ऋण जो होता है, उस सार्वजनिक ऋण के भी प्रबंधन का भी कार्य जो है वो आरबीआई के पास ही होता है। सरकार के बैंकर की भूमिका, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है, वाणिज्यिक बैंक की भूमिका अदा करता है, मर्चेंट बैंकिंग के रूप में कार्य करता है। हमें और आपको जब पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, लेकिन जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो सरकार आरबीआई के पास जाता है। तो उनके बैंकर के रूप में सरकार ये आरबीआई कार्य करता है। सिंस इट्स इंसेप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन द ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। यानी कि सरकार का जो लेन देन होता है, इसके शुरुआत से जो बैंक की भूमिका होती है आरबीआई, आप देखेंगे किसी भी संस्थान वगैरह में, किसी भी संस्थान कहीं भी देखेंगे, जैसे कोई बड़ा संस्थान है, कॉलेज वगैरह है, या तो उसमें एक ऑफिस होता है बैंक, किसी न किसी बैंक का ऑफिस होता है, वैसे ही सेम। तो ये सरकार के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उन बैंकिंग ट्रांजेक्शन को, बैंकिंग लेन देन को, उसको मैनेज करने की भूमिका आरबीआई की होती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 रिक्वायर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंटरेस्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद ऑल मनी रिमिटांस एक्सचेंज एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया एंड द मैनेजमेंट ऑफ इट्स पब्लिक डेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 कहता है कि केंद्र सरकार के जितना भी पैसा है, लाभांश है, विनिमय है, जो भी बैंकिंग लेन देन है, जो भी सार्वजनिक ऋण है, उसका प्रबंधन कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ये कार्य देता है आरबीआई को इस संदर्भ में बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में। द गवर्नमेंट ऑल्सो डिपोजिट इट्स कैश बैलेंस, जो सरकार के पास पैसा, हमारे पास जो पैसा होता है हम बैंक में जाकर के जमा कर देते हैं, गवर्नमेंट कहां पर जमा करती है? आरबीआई में जमा करती है। द रिजर्व बैंक ऑल्सो बाय एग्रीमेंट एक्ट एज द बैंकर एंड डेट मैनेजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो रिजर्व बैंक है, ये सहमति के द्वारा राज्य सरकारों के लिए, राज्य सरकारों के ऋण के प्रबंधन की, प्रबंधक की भी भूमिका कर सकता है और साथ ही साथ बैंकर की भी भूमिका कर सकता है। अभी वर्तमान में यदि बात करें, करेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स बैंकर टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुदुचेरी एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम को छोड़ करके भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बैंकर की भूमिका आरबीआई ही कर, जैसे केंद्र सरकार के लिए बैंक की भूमिका कर निभाता है, वैसे राज्य सरकारों की भी बैंक की भूमिका निभाता है। फॉर सिक्किम इट हैज लिमिटेड एग्रीमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ इट्स पब्लिक डेट। यानी कि सिक्किम के लिए लिमिटेड सहमति है, सीमित सहमति है, जिसमें जो राज्य सरकारों का यानी कि सिक्किम सरकार का जो सार्वजनिक ऋण है उसको प्रबंधित करता है ये आरबीआई, बाकी सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पूरे बैंकर की भूमिका के रूप में आरबीआई कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बैंकर के लिए बैंक सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है। जैसे हमारे बैंक खाते हो तो बैंक में, तो हमारे बैंक खाते होते हैं बैंक में और बैंकों के बैंक खाते होते हैं आरबीआई के पास।
banks are required to maintain a portion of their demand and time liabilities as cash reserves with the reserve bank. हम आगे अभी डिस्कस करेंगे सीआरआर वगैरह का कॉन्सेप्ट है. बैंक को जो जितने भी बैंक होते हैं उनको कुछ मिनिमम, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमारा कुछ पैसा बैंकों के पास रहना चाहिए, नहीं खाता. पहले सिस्टम चलता था कि बैंक में कुछ पैसा जमा रहे, नहीं खाता बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम चलता था. अब तो नहीं है, बट पहले हुआ करता था ऐसा. तो बैंकों को भी कुछ हिस्सा अपने जितना बैंक के पास जमा पूंजी होती है उसका कुछ हिस्सा बैंकों को आरबीआई के पोर्ट्स के पास रखना ही होता है. आगे डिस्कस करेंगे वो क्यों रखना होता है और कितना रखना होता है, किस किस अनुसार लायबिलिटी रखना होता है. ये एनडीटीएल क्या है, यहां पर जो लिखा हुआ है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो इस आरबीआई के पास जो है करंट अकाउंट खुला होता है रिजर्व बैंक, जो बैंक होते हैं बैंकों का करंट अकाउंट चालू खाता खुला होता है रिजर्व बैंक में, कि जब पैसा चाहिए हो तो निकाल लें, जब पैसा जमा करना हो तो जमा कर दें. बैंकर टू बैंक्स, रिजर्व बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी कि जिस प्रकार से हम बैंकों से कर्ज लेते हैं, हम हमारा खाता किसी में या किसी भी बैंक में हम जाते हैं, हमें कर्ज लेना होता है तो हम कर्ज जाते हैं, वहां पर कर्ज लेते हैं. तो यदि बैंकों को, किसी भी बैंक को किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है पैसे की, मांग ज्यादा है, तो उस कंडीशन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन बैंक ले सकते हैं आरबीआई से. यानी कि हमारे लिए बैंक जो है बैंक की भूमिका निभाते हैं, जो नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक हैं हमारे लिए आरबीआई कार्य नहीं करता बैंक के रूप में. लेकिन जो बैंकों के लिए बैंक का कार्य करता है, वो बैंकों के लिए बैंक का कार्य कौन करता है, बैंकों के लिए बैंक का कार्य आरबीआई ही करता है. बैंकों के लिए बैंक का कार्य कौन करता है, बैंकों के लिए बैंक का कार्य आरबीआई ही करता है. ठीक है, सो ये बैंकर ऑफ द बैंक की भूमिका निभाता है. इसके साथ साथ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट का मतलब जानते हैं, जब कोई चीज कहीं पर ना मिले तो यहां पर मिल जाएगी. हम हमेशा अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि देख लो अपने से हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वहां तो मिल ही जाएगी. यानी कि उस कोई एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम विश्वास करते हैं, वैसा ही आरबीआई है. जब देश में किसी भी बैंक के लिए कोई भी समस्या हो तो उसका सोल्यूशन आरबीआई है. एज अ बैंकर टू द बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट. यानी कि अब यदि डूब रहे हो तो नैया डूबने से बचाने की कौन बचा सकता है, नैया डूबने से बचा सकता है आरबीआई, नैया डूबने से बचा सकता है. इट कैन कम टू द रेस्क्यू ऑफ अ बैंक दैट इज सॉल्वेंट बट फेसेस टेम्पोरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स बाय सप्लाइंग इट विद मच नीडेड लिक्विडिटी व्हेन नो वन एल्स इज विलिंग टू एक्सटेंड क्रेडिट टू द बैंक. यानी कि यह एक ऐसे बैंक के बचाव में आ सकता है जो सॉल्वेंट यानी कि दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन अस्थायी तरलता की समस्याओं का सामना कर रहा है. तरलता का मतलब यह होता है पैसा का उतार चढ़ाव बहना. कई बार तरलता ज्यादा हो जाती है यानी कि बह रहा है, लेकिन कई बार तरलता यानी कि वो लिक्विड से सॉलिड बनने की स्थिति में आ जाता है. बिल्कुल पैसे खत्म हो जाते हैं, जब बिल्कुल पैसे खत्म हो जाते हैं तो अब क्या करें बैंक, तो फिर आरबीआई है ना, कोई नहीं दे रहा, आप चिंता मत कीजिए, आरबीआई देगा, आरबीआई आपकी मदद करेगा. हो सकता है आपके ऊपर कुछ शर्तें लगा दे, लेकिन आरबीआई आपकी मदद करेगा. जब उसे बहुत ज्यादा आवश्यक तरलता की आपूर्ति होती है, तब कोई और बैंक उस बैंक को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता तो आरबीआई मदद करता है. रिजर्व बैंक एक्सटेंड्स दिस फैसिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंक एंड टू प्रिवेंट पॉसिबल फेलियर ऑफ द बैंक. यानी कि हमने अपना पैसा जमा करके रखा है बैंक में और बैंक के पास हमारे पैसे देने के पास नहीं है, और बैंक के पास जाएंगे और हम कहेंगे हमारा पैसा दो, बैंक कह रहा हमारे पास पैसे नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है, हमारा विश्वास आएगा. तो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट जो है, डिपॉजिटर्स का जो विश्वास है, वो विश्वास बना रहना चाहिए. और इसके लिए किसी भी प्रकार से फेलियर ना होने पाए बैंक, क्योंकि एक बैंक फेल होता है ना तो धीरे 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 सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सभी फेल होते रहते हैं, मीन्स धीरे धीरे फिर पूरी अर्थव्यवस्था डाउन हो सकती है. तो इसको बचाने के लिए एनी पॉसिबल रिस्क, उसके लिए आरबीआई कार्य करता है. विच इन टर्न में ऑल्सो इफेक्ट द अदर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड कैन हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड दस द इकोनॉमी. क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आरबीआई का दायित्व है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी आरबीआई का दायित्व है, और इस दायित्व को निभाने के लिए आरबीआई लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट के रूप में कार्य करता है.
आज ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, वैश्वीकरण की दुनिया में, हमारे देश का तो ठीक है, दूसरे देशों का भी यदि कोई बैंक डाउन होता है ना, तो उसका प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरे देश का यदि कोई महत्वपूर्ण बैंक डाउन होता है, दिवालिया होता है, उसकी स्थिति जो है खराब होती है, अनस्टेबल होता है, तो वो अनस्टेबिलिटी हमारे देश के लिए भी अनस्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी जो है क्रिएट करता है। तो हमारे देश का जब बैंक कोई डूबेगा, तो हमारे देश में तो स्वाभाविक से उसका प्रत्यक्ष रूप से हमारे एक बैंक का दूसरे बैंक से, दूसरे बैंक का तीसरे बैंक से, दूसरे बैंक का एक व्यक्ति दूसरे से, दूसरे बैंक दूसरा तीसरे से जुड़ा होता है, और ऐसे सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसका। फिर इसके बाद इशूअर ऑफ द करेंसी, यानी कि मुद्रा जारी करता, देश में मुद्रा को कौन जारी करता है? देश में मुद्रा आरबीआई ही जारी करता है। करेंसी क्वाइंस कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं। इशूज एंड एक्सचेंजेज और डिस्ट्रॉयज, ध्यान रखिएगा, इशू, एक्सचेंज और डिस्ट्रॉय, करेंसी एंड क्वाइंस नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। यानी कि ये मुद्रा जारी भी करता है, मुद्रा का विनियमन भी करता है, एक्सचेंज भी करता है, और ऐसी कोई मुद्रा जो सर्कुलेशन के लिए फिट नहीं है उसको डिस्ट्रॉय भी करता है, चाहे वो करेंसी हो चाहे कॉइन। यानी कि करेंसी जारी करता है, उसका विनियमन करता है, और परिचालन के योग्य यदि संचालित नहीं हो पा रही है, नोट फट गई, पुरानी हो गई, या इवन आप ये समझिए कि जैसे 2000 की नोट वापस ले रहा है आरबीआई, तो नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को जो है ये नष्ट भी करता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यह है कि हमको अच्छी नोट, बेहतर नोट, गुणवत्ता वाली नोट मिल सके और पर्याप्त रूप से मार्केट में उपलब्ध रह सके। सो मींस आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाली करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना, ये प्रमुख रूप से आरबीआई का इस मुद्रा जारीकर्ता की भूमिका में उद्देश्य होता है। इशूअर ऑफ द करेंसी के इशूअर ऑफ द करेंसी के रोल में जो इसका प्रमुख रूप से जो भूमिका होती है, ये भूमिका यही होती है कि आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाली करेंसी नोटों और सिक्कों की जो पर्याप्त मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे, वो पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। ठीक है, इसके बाद आते हैं कहां पर? इसके बाद आते हैं मिस द गवर्नमेंट। अब ये आप हम इसको देख लेते हैं, हमारे देश में क्वाइंस के लिए टकसाल हैं, मिंट करने के लिए, नोट छापने के लिए अलग अलग पर प्रिंटिंग प्रेस हैं, तो ये सरकार के हैं या आरबीआई के हैं, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। कई बार इस प्रकार के फैक्ट्स भी बनते हैं विभिन्न एग्जाम्स में, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द क्वाइंस एंड द सप्लाइज क्वाइंस टू द रिजर्व बैंक ऑन डिमांड। भारत सरकार सिक्कों को जारी करने वाली संस्था है और मांग पर रिजर्व बैंकों को सिक्कों की आपूर्ति करती है। रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से सिक्कों को प्रचलन में लाती है। अब ध्यान से समझिएगा, देश में सिक्कों को जारी करने का अधिकार भारत सरकार के पास, सिक्कों के लिए जारी करना और सप्लाई करना, लेकिन उसको प्रचलन में लाना, उसको सर्कुलेशन में लाना, ये आरबीआई करता है। यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ में द रिजर्व बैंक पुट्स द क्वाइंस इनटू सर्कुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वाइंस सिक्कों को, जो हमारे पास सिक्के होते हैं, इन सिक्कों को इशू करना, जारी करना, इन सिक्कों की आपूर्ति करना, आपूर्ति हमको नहीं बैंक आरबीआई को आपूर्ति करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार के बिहाफ में उसको सर्कुलेट करना, मार्केट में लाना, ये आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द क्वाइंस, इशू करने की जो अथॉरिटी होती है, जो प्राधिकार होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के पास होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ क्वाइंस एंड सप्लाइज क्वाइंस टू द रिजर्व बैंक ऑन डिमांड। द रिजर्व बैंक पुट्स द क्वाइंस इनटू सर्कुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। The government of India is the issuing authority of coins and supplies coins to the Reserve Bank on demand. The Reserve Bank puts the coins into circulation on the behalf of the central government. In consultation with the government of India, RBI works towards maintaining confidence in the currency by constantly endeavoring to enhance integrity of the banknotes through the new design and security features. भारत सरकार के परामर्श से,
समझिएगा, भारत सरकार के परामर्श से आरबीआई नए डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं के सा के माध्यम से बैंक नोटों की अखंडता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करके मुद्रा में विश्वास बनाए रखने की दिशा में कार्य करता है। अब हमारे देश में जो प्रिंटिंग प्रेस है नोट छापने वगैरह के, वो चार हैं। कितने हैं? 4 प्रिंटिंग प्रेसेस प्रिंट एंड सप्लाई बैंक नोट्स। हमारे देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो प्रिंटिंग प्रेस नोट छापते हैं और सप्लाई करते हैं। चार में से जो दो हैं वो सरकार के हैं और 4 में से दो आरबीआई के, वो आरबीआई उनको विनियमित करता है। और 4 कहां कहां पर हैं? 1 मध्य प्रदेश के देवास में है, 1 महाराष्ट्र के नासिक में है, 1 कर्नाटका के मैसूर में है, 1 वेस्ट बंगाल के सालबोनी में। 4 जगह हमारे देश में नोट छपते हैं। कहां कहां पर? 1 मध्य प्रदेश के देवास में, 2 महाराष्ट्र के नासिक में, 3 कर्नाटक के मैसूर में और 4 वेस्ट बंगाल के सालबोनी में नोट छपते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी कि मध्य प्रदेश के देवास में और महाराष्ट्र के नासिक में जो नोट छपती हैं वो प्रिंटिंग प्रेस मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अ होली ओन्ड कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसको मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इसकी, इनके यानी कि इसके आप ये कह सकते हैं कि किसके स्वामित्व में है वो, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्वामित्व में है यानी कि सरकार के स्वामित्व में। बाकी जो दो हैं, 1 कर्नाटक में यानी कि आपका मैसूर में और 2 सालबोनी वेस्ट बंगाल में, ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एक आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसके स्वामित्व में ये 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं। 4 प्रिंटिंग प्रेस याद रखना है आप सभी को, 4 कहां कहां पर हैं हमारे देश में। 4 प्रिंटिंग प्रेस जो हैं वो, 1 है आपका मध्य प्रदेश के नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास में, 2 महाराष्ट्र के नासिक में, 3 कर्नाटक के मैसूर में, 4 आपका वेस्ट बंगाल के सालबोनी में। इन 4 में से मैसूर और सालबोनी की जो प्रिंटिंग प्रेस हैं ये आरबीआई के स्वामित्व में हैं और जो 2 आपके देवास और नासिक में प्रिंटिंग प्रेस हैं ये सरकार के स्वामित्व में। और जो क्वाइंस हैं यानी कि सिक्के, ये तो नोट के संबंध में हमने बात की, हम क्वाइंस के संबंध में यदि बात करें तो क्वाइंस आर मिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक इज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इशू एंड हैंडलिंग ऑफ क्वाइंस। यानी कि सिक्के जो है भारत सरकार का कर्तव्य है, सिक्के आरबीआई का काम नहीं है जारी करना, सिक्के भारत सरकार का काम है, लेकिन आरबीआई भारत सरकार के बिहाफ में इनको वितरण में निर्गम और इनके संचालन का जो दायित्व है वो आरबीआई के पास है। यानी कि आरबीआई इस सिक्कों के संदर्भ में आरबीआई सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। और हमारे यहां पर जो जहां पर सिक्के ढलते हैं उनको टकसाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? टकसाल का मिंट्स कहा जाता है यानी कि टकसाल कहा जाता है। और ये टकसाल हमारे देश में 4 जगह पर है, 1 मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में, पर 4 नहीं बल्कि 3 जगह, उत्तर प्रदेश के नोएडा में और मुंबई नोएडा कोलकाता और हैदराबाद, यानी कि 4 जगह, तेलंगाना के हैदराबाद में और वेस्ट बंगाल के कहां पर? वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। सो ये मैं आपको एक बार बता देता हूं यहां पर कि जो हमारे यहां पर नोट छपती है, नोट के संबंध में बात करें तो नोट 4 जगह पर छपती हैं। 1 आपका कहां पर है? 1 है आपका देवास में, मध्य प्रदेश के देवास एमपी, 2 है आपका नासिक, ये कहां पर है? महाराष्ट्र, 3 आपका मैसूर कहां पर है? मैसूर कर्नाटक, और 4 है आपका सालबोनी,
सालबोनी कहां पर है? वेस्ट बंगाल। ये नोट है। अब यदि हम सिक्कों की बात करें, कॉइन्स की बात करें, तो जो हमारे यहां पर मिंट्स है यानी कि टकसाल है, चार जगह पर टकसाल, ये जहां पर नोट छपती है उसे प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है। और जहां पर क्वाइंस मिंट होते हैं उनको मिंट्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? मिंट्स कहा जाता है, यानी कि टकसाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टकसाल कहा जाता है। तो जो क्वाइंस मिंट होते हैं वो कहां कहां पर होते हैं? क्वाइंस मिंट्स होते हैं आपके नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आपका कोलकाता में, कोलकाता में, कोलकाता आपका कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा हैदराबाद में, हैदराबाद में, हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में, तेलंगाना में। एक जगह रह गई, एक जगह कौन सी रह गई? महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई। मुंबई। तो ये आपका क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चार जगह पर टकसाल है और चार जगह पर प्रिंटिंग प्रेस, मींस चार जगह पर और चार जगह पर प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यानी कि मुद्रा का भी जारीकर्ता का कौन हमने पढ़ लिया। और इसके अलावा लास्ट कार्य है डेवलपमेंटल रोल, परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोमोशनल फंक्शंस एंड सपोर्ट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि देश के हित को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों के जो ग्राहक हैं, बैंकों के जो ग्राहक हैं उनको जागरूक करना, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना यानी कि वित्तीय साक्षरता प्रोवाइड करना। जैसे डेवलपमेंटल रोल की यदि हम बात करें तो देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, ये इस प्रकार के जो है भूमिका है, ये आरबीआई रिसर्च भी करता है, अनुसंधान भी करता है, ये सभी जो है आरबीआई की भूमिका है, आरबीआई के कार्य, सभी जो है आरबीआई के कार्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अब आते हैं, हमने एक कार्य डिस्कस किया था आरबीआई का कि आरबीआई देश में मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में भी कार्य करता है, देश में मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि देश में मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है, मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। और मौद्रिक प्राधिकरण के संदर्भ में हमने डिस्कस किया कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, आरबीआई फॉर्मुलेट करता है, फॉर्मुलेट करता है, इसको इंप्लीमेंट करता है, इसको इंप्लीमेंट करता है और इसको सुपरवाइज करता है, यानी कि आरबीआई जो है इसको क्या करता है, आरबीआई मौद्रिक नीति का फॉर्मुलेशन यानी कि आरबीआई इसको तैयार करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई इंप्लीमेंट करता है, क्रियान्वित करता है और आरबीआई इसका जो है सुपरविजन भी करता है, आरबीआई इसका निरीक्षण भी करता है। तो जो हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें आरबीआई के मौद्रिक नीति के, मौद्रिक नीति की परिभाषा पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति के उद्देश्य पढ़ेंगे और मौद्रिक नीति के उपकरण। सबसे पहले आते हैं मौद्रिक नीति को समझने से पहले, परिभाषा समझने से पहले एक दोस्तों एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा, और कॉन्सेप्ट है डिमांड और सप्लाई के बीच रिलेशन का, डिमांड और सप्लाई के बीच का रिलेशन, यानी कि मांग और आपूर्ति के बीच का संबंध। और मांग और आपूर्ति के बीच के संबंध के साथ साथ मुद्रा स्फीति और ग्रोथ में किस प्रकार का रिलेशन है ये भी थोड़ा सा समझिए, यानी कि इन्फ्लेशन और इसके अलावा ग्रोथ, इसके बीच का संबंध भी यहां पर समझने समझेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ समझेगा, हम यहां पर यदि बात करें तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये है कि दोस्तों हमारे देश में या आज की जो आधुनिक दुनिया है ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के मॉडल को अडॉप्ट करती है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कौन निर्धारित करता है, हु डिटरमाइंस, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हु डिटरमाइंस द प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो
हम कहते हैं कि भैया कोई डिसाइड नहीं करता है, डिसाइड अदृश्य हाथ करते हैं। कौन करता है डिसाइड? अदृश्य हाथ। अब ये अदृश्य हाथ क्या है? ये अदृश्य हाथ क्या है जो वस्तुओं और सेवाओं के जो दाम है, प्राइजेज हैं, उनको डिटरमाइन करता है, यानी कि इनविजिबल हैंड्स। इनविजिबल हैंड्स, मान लीजिए ये मार्केट, ये मार्केट, मार्केट में कोई वस्तु है, एक्स वस्तु है, या ब्रेड, मान लीजिए ब्रेड, ब्रेड बेचने वाला मात्र एक व्यक्ति है और खरीदने वाले एक दो व्यक्ति हैं और खरीदने वालों की लाइन लगी है। खरीदने वाले चारों तरफ से आ रहे हैं, चारों तरफ से वो दोनों व्यक्ति घिरे हुए हैं, खरीदने वाले चारों तरफ से और बेचने वाले मात्र दो, और इनके पास भी लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड, ऐसा नहीं कि इनके पास जितना मांगो उतना है, इनके पास लिमिटेड स्टॉक। अब जब लिमिटेड स्टॉक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मांग यहां पर क्या हो गई? मांग अधिक हो गई और आपूर्ति कम हो क्या हो गई? आपूर्ति ज्यादा हो, मांग ज्यादा हो गई और आपूर्ति कम हो गई। जब मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है तो इस ब्रेड के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे? ब्रेड का मूल्य क्या होगा? ब्रेड का मूल्य जो है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भैया इतने लोग खरीदने वाले हैं, ज्यादा नोटंकी करेंगे तो ये दुकानदार कहेगा लेना हो तो लो, नहीं तो साइड में हट जाओ, दूसरा व्यक्ति आ रहा है वो 5-10 का 15 देगा, दोस्त तीसरा जो है 15 का 20 देगा। लेकिन यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल यदि आप लें और यहां पर बेचने वाले 10 हैं और खरीदने वाले मात्र 2-3, तो क्या होगा? मांग जो है, डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? कम। और आपूर्ति क्या हो जाएगी? आपूर्ति हो जाएगी ज्यादा। तो ब्रेड का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा? ब्रेड का मूल्य हो जाएगा कम। दुकानदार कहेगा कि भैया जितना देना हो दे दो, रोजी रोटी की बात है, रोजी रोटी की बात है, जितना आपको देना हो, जितनी आपकी इच्छा हो दे दीजिए। अब किसने, आप बताइए, किसने दाम कम किया या किसने दाम बढ़ाया? वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो किसने तय किया? किसी ने नहीं। बढ़ा तो अपने से बढ़ा, मांग और आपूर्ति के आधार पर, और घटा तो अपने आधार पर घटा, मांग और आपूर्ति के आधार पर। किसी ने मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं के जो दाम है, वस्तुओं और सेवाओं के दाम न घटाए न बढ़ाए, अपने आप घटे अपने आप बढ़े, यानी कि कौन किसका हाथ है? हम कहते हैं कि हमने हाथ लगा दिया तो ऐसा हुआ, नहीं, यहां पर हाथ दिखाई ही नहीं दे रहा किसी का। इनविजिबल हैंड्स यानी कि अदृश्य हाथ, अदृश्य यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी जो होती है, जो वो वहां पर वस्तुओं और सेवाओं के जो दाम निर्धारित होते हैं, जो प्राइजेस निर्धारित होती हैं, ये अदृश्य हाथ मार्केट के नियमों के अनुसार निर्धारित होती है, यानी कि मांग और आपूर्ति के आधार। ये क्यों मैं समझा रहा हूं, ये ध्यान से समझिएगा, यही पर कॉन्सेप्ट है आपका पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का। आते हैं थोड़ा सा एक और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए सपोज एक मिनट, कि मार्केट में जैसा हमने कहा कि मांग ज्यादा कब होगी, मांग ज्यादा तब होगी जब लोगों के पास पैसे होंगे, लोगों के पास पैसे होंगे। मान लीजिए कि आज होम लोन बहुत सस्ता कर दिया जाए, 1% कर दिया जाए, तो लाइन लग जाएगी बैंकों में कि भैया होम लोन प्रोवाइड करो, हमें घर बनवाना है। यानी कि मांग ईंटों की, मांग सीमेंट की, मांग लोहे की अचानक बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा। पैसा क्यों आएगा? क्योंकि लोन सस्ता होगा, लोन सस्ता होगा। लोन सस्ता क्यों होगा? हम बैंक से लेंगे लोन, बैंक को यदि लोन सस्ता मिलेगा
तो बैंक लोन सस्ता कर देगा। अब बैंक लोन कहां से लेता है? आरबीआई से। आरबीआई लोन क्या कर देगा? सस्ता कर देगा। लोन सस्ता कर देगा तो उसका इफेक्ट यह होगा कि हमारे लिए बैंक लोन सस्ता कर देगा और पैसे होंगे हमारे पास, हम मांग को बढ़ा देंगे। लेकिन मान लीजिए कि हम मांग को तो बढ़ा दिया हमने, हमारे पास खूब पैसे आ गए, सब लोगों के पास आ गए, लोहा है, गिट्टी है, बालू है, आपकी सीमेंट है, मान लीजिए जितनी मांग हुई उतनी आपूर्ति नहीं हो पाई, तो मांग यदि ज्यादा होगी तो आपूर्ति, और आपूर्ति कम होगी तो क्या होगा? जो प्राइजेज हैं इनके, जो मैंने घर मकान बनाने के मटेरियल की बात की, वो प्राइजेज क्या हो जाएंगी? प्राइजेज बढ़ जाएंगी। और जब प्राइजेज बढ़ जाएंगी तो नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? उपभोक्ता का। उपभोक्ता का नुकसान, कंज्यूमर का नुकसान, बढ़े हुए दाम पर चीजें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी मार किसकी होगी? सबसे बड़ी मार तो गरीब की होगी, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं, वो तो कर्ज भी नहीं ले रहा, वो कर्ज की भी हिम्मत नहीं कर रहा, सबसे बड़ी मार तो उसकी होगी, सबसे बड़ी मार तो उसी की होगी। तो इस कंडीशन में उपभोक्ता का नुकसान होगा। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। लेकिन मान लीजिए सपोज, तो यहां पर क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? मांग को कम करना चाहिए। मांग कैसे कम होगी? जब पैसे कम होंगे मार्केट में, लोगों के पास पैसा कब कम होगा? जब लोन महंगा होगा। जब लोन महंगा होगा तो लोन कैसे महंगा होगा? आरबीआई बैंक बैंक हमारा लोन महंगा करेंगे, क्योंकि आरबीआई बैंकों को लोन महंगा मिलेगा, तो आरबीआई क्या करेगा? लोन महंगा कर देगा। लेकिन यदि इसका उल्टा हुआ, मान लीजिए कि लोगों के पास लोन महंगा है, अब समझिएगा मेरी बात को, लोन महंगा कर दिया, तो लोन महंगा कर दिया तो मांग क्या हो जाएगी? मांग हो जाएगी कम। और लेकिन यदि आपूर्ति और ज्यादा हुई, उत्पादन ज्यादा हुआ, लोग बढ़ा रहे हैं, आपूर्ति कर रहे हैं, तो आपूर्ति जब ज्यादा हो जाए होगी और मांग कम होगी तो प्राइजेज हो जाएंगे कम। अब प्राइजेज जब कम हो जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? उत्पादक का नुकसान होगा। किसान के, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, प्याज वगैरह के लिए कई बार होता है कि किसान विरोध प्रदर्शन करता है कि हमें हमारा हमारा तो जितना लगा है उतना ही पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो विरोध करता है। आपूर्ति खूब हो गई, मांग बिल्कुल नहीं है, तो उत्पादक का नुकसान होगा। अब उत्पादक का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्पादक का नुकसान होगा तो वो उत्पादन बंद कर देगा। उत्पादन बंद करेगा तो क्या होगा? देश की राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी, आय कम होने का मतलब क्या है? कि ग्रोथ हमारी कम हो जाना, और ग्रोथ कम होगी, उत्पादन बंद होगा तो न लोगों को रोजगार मिलेगा, ना आय होगी, ना ग्रोथ समृद्धि होगी, जीडीपी कम हो जाएगी, ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाएगा। तो सॉरी, प्राइजेस जो है, मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा है तो प्राइजेस कम हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में देखिए, समझिएगा मेरी बात को, कि मांग ज्यादा थी तो आरबीआई ने लोन महंगा कर दिया, लोन महंगा कर दिया तो राष्ट्रीय आय कम हो रही है। मतलब क्या हुआ? कि आरबीआई मुद्रास्फीति ज्यादा थी तो आरबीआई ने क्या कर दिया? लोन महंगा कर दिया, तो मुद्रास्फीति तो कम हो गई, इन्फ्लेशन तो कम हो गया, यानी कि प्राइजेस जो बढ़ी हुई थी वो तो प्राइजेस कम हो गई। अब प्राइजेस तो कम हो गई लेकिन ग्रोथ रुक गई, ग्रोथ क्या हो जाएगी? ग्रोथ डाउन हो जाएगी। लेकिन यदि मुद्रास्फीति को वैसा ही रहने दिया जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ी जाती है, ग्रोथ तो बढ़ेगी लेकिन मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। अब यहां पर समस्या यह होती है कि हमें उत्पादक को भी नुकसान नहीं होने देना, उपभोक्ता को भी नुकसान नहीं होने देना। यदि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा होती है तो देश का बेचारा गरीब मारा जाए। तो
मुद्रास्फीति भी कम करना होगा, लेकिन मुद्रास्फीति कम करते हैं तो उत्पादन घट सकता है, मांग कम हो सकती है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक होता है कि मुद्रास्फीति संतुलित बनी रहे और ग्रोथ भी बराबर बनी रहे, यानी कि उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, उत्पादक को भी नुकसान ना हो, और देश की जो ग्रोथ रेट है, जो इसका जो उत्पादन है, देश का जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन भी बेहतर बना रहे। इसका मतलब कि मार्केट में इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि मार्केट में तरलता, तरलता मुद्रा की तरलता, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी, सब लिक्विडिटी का मतलब यह होता है तरलता, यानी कि जैसे पैसे हैं बह रहे हैं, बहुत ज्यादा मांग है यानी कि पैसा है लोगों के पास, पैसा बह रहा है, और यदि यानी कि इतनी तरलता कि लिक्विड हवा में उड़ने लग जाए, यानी कि क्या हो जाए, गैस बन जाए, और तरलता कम होगी तो इसका मतलब ठोस की ओर झुकाव होगा। तो ना मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, ना मार्केट में बहुत कम पैसा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में यदि पैसा ज्यादा होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ सकती है, मुद्रास्फीति ज्यादा हो सकता है, और मार्केट में कम पैसा होगा तो नुकसान उत्पादन को होगा, यानी कि नुकसान जो होगा वो ग्रोथ रेट को होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुद्रा की तरलता, मार्केट में जो मुद्रा का प्रवाह है उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है, जो पॉलिसी तय करता है, जो पॉलिसी या जो नीति किसी भी देश के द्वारा बनाई जाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। और किसी भी देश में ये पॉलिसी तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्रीय बैंक की होती है, और हमारे देश में जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। केंद्रीय बैंक है जो हमारे देश में, वो क्या है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया कि इसको क्या परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में मुद्रा की तरलता को, अर्थात मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। मींस द पॉलिसी विच इज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री टू कंट्रोल द लिक्विडिटी और फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कहा जाता है, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में मुद्रा की तरलता, अर्थात मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति कहा जाता है। द पॉलिसी विच इज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री टू कंट्रोल द लिक्विडिटी और फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट इज कॉल्ड एज द मॉनेटरी पॉलिसी। उसको क्या कहा जाता है, उसको मौद्रिक नीति कहा जाता है। मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना यह महत्वपूर्ण होता है। किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में मुद्रा की तरलता को, अर्थात मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। द पॉलिसी विच इज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री टू कंट्रोल द लिक्विडिटी और फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। उसे क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति कहा जाता है। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य तो मैंने आपको बताया, उद्देश्य यही होता है कि देश की जो आर्थिक समृद्धि है वो आर्थिक समृद्धि बनी रहे। और हां, एक और चीज, ये क्रेडिट बहुत आवश्यक है। क्रेडिट जब लोगों को सस्ता लोन मिलेगा ना तो लोग मांग बढ़ाएंगे, और यदि मांग नहीं बढ़ी तो हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी, इसलिए क्रेडिट बहुत आवश्यक है। तो क्रेडिट का संतुलन बना रहना चाहिए, बहुत ज्यादा क्रेडिट भी ना हो। बहुत जगह एक समय था जब होम लोन सस्ते हो गए, बिल्डर्स ने बिल्डिंग बना दी, कोई खरीदने वाला ही नहीं, क्योंकि जब बिल्डर्स ने बिल्डिंग बनाई, लोन सस्ते हो गए तो बहुत ज्यादा लोन सस्ता हो गया, डिमांड हुई, जब डिमांड बहुत ज्यादा हुई तो आपूर्ति भी हुई। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे यह परिस्थिति आ गई कि सप्लाई तो बहुत ज्यादा हो गई, मांग कम हो गई। जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और मांग कम हो गई
तो उस कंडीशन में क्या हो गया, दाम बिल्डर्स ने जो बनाए वो दाम कम हो गया, बिल्डर्स को नुकसान हो रहा। तो ऐसा भी हो जाता है। तो मौद्रिक नीति ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में यदि ग्रोथ बनाए रखना है तो ग्रोथ बनी रहे प्रबल मात्रा में। और ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मुद्रा का प्रवाह है, ये मुद्रा का प्रवाह ही तय करती है पूरे का पूरा ग्रोथ को। लेकिन यह भी आवश्यक है कि उत्पादक को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और उपभोक्ता को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि कंज्यूमर को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आवश्यक यह भी है कि कंज्यूमर को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उद्देश्य प्रमुख रूप से जो मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं वो क्या है, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक समृद्धि को संवर्धित करना और ऋण का पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, एक्सीलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, एंश्योरिंग एडिक्वेट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या हुए, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक समृद्धि को संवर्धित करना और ऋण का पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना, और ऋण का पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना। यह प्रमुख रूप से क्या है, मौद्रिक नीति के उद्देश्य। ये क्या है, प्रमुख रूप से मौद्रिक नीति के उद्देश्य। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं कहां पर, इसके बाद आते हैं अब ये मॉनेटरी पॉलिसी आखिरकार कैसे बनती है, कौन जारी करता है, क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2015-16 के पहले, विशेषकर 16 के पहले यदि हम बात करें तो 2015 में लेता हूं, यहां पर 2015 के पहले क्या होता था, जो हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी बनती थी। अच्छा, उसके पहले एक चीज और आपको बता दूं, किसी भी देश की जो आर्थिक नीतियां होती है ना, आर्थिक नीतियां वो बहुत समझना जरूरी है, तब इसको चीज को समझ पाएंगे बैकग्राउंड को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्सेप्ट। आर्थिक नीतियां जो होती हैं किसी भी देश में प्रमुख रूप से तीन प्रकार की होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, एक को कहा जाता है क्या, मौद्रिक नीति, जो मैंने आपको बताया मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति। दूसरे को क्या होता है, दूसरे मौद्रिक नीति, दूसरी नीति जो होती है जिसे राजकोषीय नीति कहा जाता है, राजकोषीय नीति कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, फिस्कल पॉलिसी। और तीसरी नीति होती है मौद्रिक नीति। नॉर्मली प्रत्येक देश के द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रत्येक देश के द्वारा इन नीतियों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा भी छोटी बड़ी कुछ और भी नीतियां होती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रमुख रूप से यही तीन नीतियां होती हैं। तीसरी है आपकी व्यापार नीति, आयात निर्यात नीति, या इसको एग्जिम पॉलिसी भी कह सकते हैं। जो राजकोषीय नीति होती है, मौद्रिक नीति तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, जो राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है, राजा का कोष, ये शब्द ही बता रहा है, राजा तत्कालीन रूप से आज वर्तमान में राज्य यानी कि सरकार का कोष, सरकार का खजाना। तो सरकार का खजाना, सरकार के खजाने में पैसा आया और सरकार के खजाने से पैसा गया, यानी कि आय और व्यय, प्राप्तियां रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो ये सरकार के खजाने से रिसीप्ट, प्राप्तियां, सरकार के खजाने में पैसा आने और सरकार के खजाने से पैसा जाने, खर्च से संबंधित जो नीति बनाई जाती है वो सरकार के द्वारा ही बनाई जाती है, उस नीति को क्या कहा जाता है, उस नीति को राजकोषीय नीति, उसी या उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। उस नीति को क्या कहा जाता है,
उस नीति को राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फिस्कल पॉलिसी सरकार के द्वारा ही तैयार की जाती है, मौद्रिक नीति तो आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है, और फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री सरकार के तय करती है। अब इसमें क्या होता है, सरकार राजकोषीय नीति में जो बजट आता है ना, बजट यही है आपका, राजकोषीय नीति का ही माध्यम है, बजट के माध्यम से राजकोषीय नीति ही फिस्कल पॉलिसी ही जारी की जाती है, बजट के माध्यम से राजकोषीय नीति ही फिस्कल पॉलिसी ही जारी की जाती है। अब इस पॉलिसी से, इस पॉलिसी में यानी कि फिस्कल पॉलिसी में, राजकोषीय नीति में, सरकार ये तय करती है, सरकार पहले ये देखती है कि हम अपने सोर्स इनकम, सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जो आय के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, और आय को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार, जैसे टैक्सेशन वगैरह है, इसके लिए सरकार प्रयास करती है कि भैया आय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और उस आय के अनुरूप खर्चा किया जाए। यदि खर्चा ज्यादा आ रहा है तो सरकार टैक्सेशन वगैरह के रेट बढ़ाने का प्रयास करती है, अदरवाइज उसको बैलेंस करने का प्रयास करती है कि भैया बहुत ज्यादा खर्चा ना हो, कर्ज वगैरह ज्यादा ना लेना पड़े। कुछ, अब कुछ खर्च बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं, जैसे देश में यदि मांग कम है, समझिएगा, यदि देश में मांग कम है, बेरोजगारी भी हो सकती है, जब बेरोजगारी होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जब पैसा नहीं होगा तो लोग मांग भी क्रिएट नहीं करेंगे, जब मांग क्रिएट नहीं करेंगे तो देश के उत्पादन कम हो जाएगा, स्लो डाउन जिसे कहा जाता है। तो ऐसे में सरकार, ये भी हो सकता है सरकार ये कहे कि हम भाई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएं, इन्वेस्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन को बढ़ाएंगे, देश में लंबे लंबे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलेंगे तो देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, जब रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग मांग को बढ़ाएंगे। लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि सरकार ऐसा चाहती है कि मांग बढ़े, लेकिन सरकार निवेश करती है, खर्चा बढ़ाती है, और खर्चा इस उद्देश्य से बढ़ाती है कि लोगों को रोजगार मिलेगा और डिमांड क्रिएट होगी, उत्पादन बढ़ेगा, देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन आरबीआई क्या कर, आप समझिएगा यहां पर, जब बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाती है, लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाता है, जब बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाती है, लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई हो जाती है। जब महंगाई हो जाती है, मांग, पैसा ज्यादा आने से, तो आरबीआई क्या करता है, उसको सख्त करता है। और कैसे सख्त करता है, उसको आरबीआई लोन वगैरह महंगा कर देगा, आरबीआई के कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो आरबीआई के उपकरण कहा जाता है, मौद्रिक नीति के उपकरण कहा जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, उन उपकरणों के माध्यम से बाजार से पैसा सख कर लेते हैं। अब सरकार कह रही कि बाजार में पैसा हो, और आरबीआई कह रही कि मुद्रा स्फीति ज्यादा हो रही, हम तो भैया मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करेंगे और इसलिए हम बाजार से पैसा सख करेंगे। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ग्रोथ देख रही है, एक मुद्रा स्फीति देख रही, सरकार कह रही ग्रोथ हो, मौद्रिक नीति कह रही है कि भैया इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। अब दोनों जब अलग अलग डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा होता था 2016 के पहले, यानी कि देश, एक देश की जो नीतियां हैं वो नॉर्मली कोहेरेंस में होना चाहिए, यानी कि एक ही दिशा में होना चाहिए, तब तो देश विकास करेगा, तब तो देश विकसित करेगा, विकसित होगा। लेकिन समस्या कहां पर आई, समस्या यहां पर आई कि भैया राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति अलग अलग दिशा में जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, 2015 में सरकार और आरबीआई के बीच एक समझौता हुआ, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत कहा गया कि भैया आरबीआई को इन्फ्लेशन के टारगेट दिए जाएंगे कि भैया ये है इन्फ्लेशन, इस बीच में यदि इन्फ्लेशन है तो आप मॉनेटरी पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार का लक्ष्य उससे प्रभावित होता है।
आप एक्शन ले लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, और उससे क्या होता है हमारे जो ग्रोथ का सरकार का लक्ष्य है वो प्रभावित होता है। तो सरकार ने एक एग्रीमेंट किया कि भैया ये जो है ये टोलरेबल लिमिट हम दे रहे हैं, इससे ज्यादा यदि इन्फ्लेशन हो तभी आपको कुछ मौद्रिक नीति में परिवर्तन करना है, अदरवाइज आपको कोई एक्शन नहीं लेना। इसके पहले अब मैं क्यों कह रहा हूं 2015 में एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि इसके पहले जो मॉनिटरी पॉलिसी बनाई जाती थी वो आरबीआई गवर्नर के द्वारा बनाई जाती थी, आरबीआई गवर्नर डिसीजन लेते थे। हालांकि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी एक होती थी, यानी कि तकनीकी सलाहकारी परिषद होती थी आरबीआई की, वो तकनीकी सलाहकारी परिषद आरबीआई को सजेस्ट करती थी, सुझाव देती थी आरबीआई गवर्नर को, लेकिन अंतिम निर्णय आरबीआई गवर्नर का ही होता था, जो आरबीआई गवर्नर कहते थे उसी के अनुसार निर्णय होता था, यानी कि वही अंतिम फैसला के रूप में होता था। तो 2015 में जब ये एग्रीमेंट हुआ, लेकिन सरकार ने इस सिस्टम को बदलना चाहा कि आरबीआई गवर्नर का सोल डिसीजन नहीं होना चाहिए। उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो रघुराम राजन हो फिर उर्जित पटेल हो, दोनों ने त्याग पत्र दिया, दोनों ने त्याग पत्र दिया। तो अल्टीमेटली 2016 में जब सरकार ने बजट प्रस्तुत किया तो फाइनेंस बिल के साथ आरबीआई एक्ट में परिवर्तन संशोधन भी सरकार ने विधेयक प्रस्तुत किया कि आरबीआई एक्ट में परिवर्तन किया जाएगा। और इस आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी। इस आरबीआई एक्ट के संशोधन के अकॉर्डिंग एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी, और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, यानी कि मौद्रिक नीति समिति बनेगी, मौद्रिक नीति समिति बनेगी। और इस मौद्रिक नीति समिति के अनुसार इसमें टोटल 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्यों में से 3 आरबीआई के होंगे और 3 गवर्नमेंट के होंगे, यानी कि सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, सरकार की भी भूमिका हो मॉनेटरी पॉलिसी के निर्माण में, क्योंकि सरकार का उद्देश्य और आरबीआई का उद्देश्य अलग अलग दिशा में ना हो, इसके लिए कहा गया कि इसमें एक आरबीआई गवर्नर होगा और प्लस जो है डिप्टी गवर्नर होंगे 2, और 3 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इस 6 सदस्यीय समिति के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, बहुमत के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन यदि 3-3 से बराबर हो जाता है तो आरबीआई गवर्नर का जो फिर यानी कि जो कहते हैं ना निर्णायक भूमिका होगी, वो निर्णायक भूमिका डिसाइडिंग जो रोल होगा वो किसका होगा, आरबीआई गवर्नर का होगा। निर्णायक भूमिका किसकी होगी, निर्णायक भूमिका फिर आरबीआई गवर्नर की होगी। तो ये जो है ये अल्टीमेटली जो है डिसीजन लिया गया आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, अब ये स्टेटरी हो गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि आरबीआई एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया। अब क्या होता है, आरबीआई को गवर्नमेंट जो है प्रत्येक 5 वर्ष में एक टारगेट देती है जिसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहा जाता है। इन्फ्लेशन टारगेट दिया जाता है किसको, ये इन्फ्लेशन टारगेट आरबीआई को दिया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में, और इसको ये देखा जाता है आरबीआई गवर्नमेंट देती है जब टारगेट, तो ये जैसे 16 में दिया था 2016 से 2021 और फिर 2021 से 2026 का टारगेट अभी दिया हुआ है, और ये टारगेट कितने का है, ये टारगेट है 4% प्लस माइनस, ये टारगेट कितने का है, ये टारगेट है 4% प्लस माइनस 2%, यानी कि 2% से लेकर के 2% मिनिमम टोलरेबल लिमिट है, क्योंकि 2% से नीचे मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति देश के लिए जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, महंगाई जरूरी है लेकिन कितनी, ये महत्वपूर्ण है। महंगाई नहीं होगी तो उत्पादक का नुकसान होगा, जो प्रोड्यूसर है वो नुकसान होगा, उत्पादन करना बंद कर देगा। इन्फ्लेशन नहीं होगा, वस्तुओं और सेवाओं के दाम नहीं बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन जो उत्पादक है उत्पादक को नुकसान होगा, प्रोड्यूसर को उसको भी तो थोड़ा कम खाना चाहिए, उत्पादन कर रहा है तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। लेकिन तो 2% से कम भी मुद्रास्फीति ना हो और 6% से ज्यादा भी ना हो, यानी कि 4% तो यह एवरेज है, औसत एवरेज, तो 2% से कम ना है और 6% से अधिक ना हो, क्योंकि 6% से अधिक होगा तो कंज्यूमर को नुकसान हो और 2% से कम होगा तो
प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। तो ये कहा गया किसके द्वारा, कहा गया ये कहा गया किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, कि इन्फ्लेशन टारगेट दिया जाएगा प्रत्येक पांच वर्ष में। सरकार ने 2016 से 2021 के बीच 4% प्लस माइनस 2% का टारगेट दिया था, और 2021 से लेकर के 2026 के बीच भी 4% प्लस माइनस 2% का टारगेट दिया है। अब आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करती है, इस इन्फ्लेशन टारगेट को देख करके रखती है कि यदि 6% से ज्यादा होगा तभी रेपो रेट वगैरह बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे, यानी कि, और यदि 2% से कम हुआ तभी रेपो रेट में परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर के रेपो रेट की दर में या मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें परिवर्तन तभी होगा यदि इन्फ्लेशन की जो सीमा है ये 2% प्लस माइनस 6% से इधर उधर जा रही हो, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा, अदरवाइज फिर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो ये जो है आपका, मैंने आपको ये बताया, यही कहानी बताई मैंने कि मई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को लचीला मुद्रा स्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के, यानी कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क, फ्लेक्सिबल लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आप थोड़ा सा बड़ा इन्फ्लेशन आपने मुद्रा स्फीति जो रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी में परिवर्तन कर दिया। तो इसके लिए कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान किया, यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग सिस्टम को लाने के लिए, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए इसमें संशोधन किया गया आरबीआई एक्ट में। संशोधित आरबीआई अधिनियम में हर 5 साल में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है, हर 5 साल में। संशोधित आरबीआई अधिनियम में हर 5 साल में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई जो टारगेटिंग होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई नहीं होता है, सीपीआई को लिया जाता है कि सीपीआई, क्योंकि उपभोक्ता डायरेक्टली जिन चीजों से प्रभावित होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में है। तो 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 के अवधि के लिए लक्ष्य के रूप में अनुसूचित किया, जिसमें ऊपरी सहिष्णुता सीमा 6% और कम न्यूनतम सहिष्णुता सीमा जो है 2% थी। 31 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 के लिए मुद्रास्फीति की लक्ष्य सहिष्णुता बैंड जो है वो सेम रखा। और इसमें यह कहा कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित कारकों के रूप में अधिसूचित किया कि मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता का गठन करते हैं। That means the central government notified that the following factors constitute the failure to achieve the inflation target. The average inflation is more than the upper tolerance level of the inflation target for any 3 consecutive quarters. यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग को फेलियर आरबीआई का तब माना जाएगा यदि लगातार 3 क्वार्टर तक, 3 क्वार्टर का मतलब 3-3 महीने के, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, 3 × 12, तो यदि लगातार 3 क्वार्टर में यह पाया जाता है कि अपर इन्फ्लेशन लिमिट 6% से ऊपर है और एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लिमिट फॉर एनी 3 consecutive quarters, यानी कि यदि 2% से कम है लगातार 3 क्वार्टर में और 6% से अधिक है लगातार 3 क्वार्टर में, तो यह माना जाएगा कि भैया आरबीआई फेल हो गया इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क में, यानी कि मुद्रा स्फीति लक्ष्यीकरण को अचीव करने में आरबीआई फेल हो गया यह माना जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन 2016 के पहले क्या होता था, तो 2016 के पहले मैंने आपको बताया कि मई 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन से पहले लचीला मुद्रास्फीति लक्षण का ढांचा 20 फरवरी 2015 को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक मौद्रिक नीति पर एक समझौते द्वारा शासित होता था। मौद्रिक नीति का ढांचा समझौता, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया, MPFA, ये 2015 में बना था। 2016 के बाद क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच एक समझौता हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम सहनीय मुद्रास्फीति पर
जिसे आरबीआई को मूल स्थिरता प्राप्त करने के लिए लक्षित करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने 20 फरवरी 2015 को मौद्रिक नीति ढांचे समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने मुद्रा स्फीति को लक्षित करना और मुद्रा मूल्य स्थिरता प्राप्त करना आरबीआई की जिम्मेदारियों को बनाया गया। इसके बाद सरकार ने संसद में 2016-17 के केंद्रीय बजट का अनावरण करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया, ताकि उक्त मौद्रिक फ्रेमवर्क समझौते को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जा सके और मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की जा सके। यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना था 2015 में, इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को वैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, यानी कि स्टेटरी बेसिस प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 में परिवर्तन किया गया और आरबीआई एक्ट की धारा 45 ZB के अनुसार एक 6 मेंबर कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन का प्रावधान किया गया, जो कि पहली बार सच कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 29 सितंबर 2016। यानी कि पहली बार इस प्रकार की समिति का जो गठन किया गया वो 29 सितंबर 2016 को किया गया। इस समिति में टोटल जो कितने सदस्य हैं, इस समिति में टोटल 6 मेंबर्स हैं, 6 सदस्य। 6 सदस्य में से 3 मेंबर्स विल बी फ्रॉम आरबीआई एंड द अदर 3 मेंबर्स विल बी फ्रॉम अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि 3 सदस्य तो आरबीआई के ही होंगे और 3 सदस्य जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 3 सदस्य आरबीआई के ही होंगे और 3 सदस्य जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए आवश्यक है कि 1 वर्ष में कम 4 बार तो बैठे ही मिले। द पैनल इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। इसके लिए आवश्यक है कि पैनल जो है 1 वर्ष में कम 4 बार एक साथ बैठें, मीटिंग करें और इस मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करें। इट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग अ बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिपो रेट टू कंटेन द इन्फ्लेशन विद इन स्पेसिफाइड टारगेट लेवल ऑफ 4% विद अ बैंड ऑफ ±2%। यानी कि बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, जिसे रेपो रेट कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, ये आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं। इसके अनुसार ये है कि भाई आप रेपो रेट में परिवर्तन तभी करेंगे जब इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन है वो +4% ±2%, यानी कि 2% और 6% जो 2% से या तो कम हो या तो 6% से ज्यादा हो, 2% से या तो कम हो या तो 6% से ज्यादा हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, मौद्रिक नीति समिति बनाई गई। अब आता है इसके बाद मौद्रिक नीति के उपकरण। आखिरकार आरबीआई कैसे मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, कैसे लिक्विडिटी, मुद्रा की जो करेंसी की लिक्विडिटी है मार्केट में, उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो उसके कुछ तरीके होते हैं, उसके कुछ उपकरण होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे आरबीआई ऐसा करता है, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। मौद्रिक नीति के उपकरण कहा जाता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन 2-4 मिनट का ब्रेक, इसके बाद पुनः हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ जल्दी समय में ये प्री का टॉपिक जितने भी है वो कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे और भी हम लोग सिलेबस टॉपिक पढ़ सकें, ठीक है। तो अभी मिलेंगे कुछ 2-4 मिनट का ब्रेक। यस, ठीक है, चलिए चल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति के उपकरण, सिंपल सा ये उपकरण का, मौद्रिक नीति के उपकरण का तात्पर्य क्या है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का तात्पर्य क्या है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का तात्पर्य सिंपल सा है कि जिस के सहारे या जिस तरीके से, जिस माध्यम से आरबीआई
मुद्रा के प्रवाह को मार्केट में, बाजार में मुद्रा के प्रवाह को, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। उसके कुछ तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों को या उनके उसके कुछ सहारे होते हैं, कुछ माध्यम होता है, उन्हीं माध्यमों को क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी के, ये प्रमुख रूप से दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक को माना जाता है कि पारंपरिक उपकरण और दूसरे को माना जाता है गैर पारंपरिक उपकरण। पारंपरिक उपकरण का मतलब यह होता है कि जिनका सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा या किसी भी देश की मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिन उपकरणों के माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और दूसरा आपका गैर पारंपरिक उपकरण, जिनका सामान्य तरीके से सामान्य समय में उपयोग नहीं किया जाता है। ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति आ जाए, जैसे मैं आपको कहूं कि यदि जैसे वो दशा आ जाए कि जब हेलीकॉप्टर में चढ़ करके और यानी कि एरोप्लेन से चढ़ करके और लोगों को ऊपर से पैसे वितरित किए जाए, डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, जैसे फूड पैकेट्स वगैरह वितरित किए जाते हैं विपरीत परिस्थितियों में, कि पैसे ऊपर से वितरित करने पड़े, इतनी मांग की कमी हो, लोगों के पास पैसे की कमी हो कि ऊपर से चढ़ करके और पैसे वितरित करने पड़े, ये विपरीत परिस्थिति है। या दूसरा ये हो सकता है कि लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, हम और आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, लेकिन बैंक में जो पैसा हम जमा करते हैं उसके बदले हमें ब्याज मिलता है, उसके बदले हमें इंटरेस्ट प्राप्त होती है, उसके बदले हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम वो पैसा बैंक में जमा करते हैं और इंटरेस्ट हमसे वसूला जाता है कि भैया आप हमारे पास बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो हम आपसे ब्याज लेंगे, ये विपरीत परिस्थिति, ऐसी विपरीत परिस्थिति आप समझ लीजिए कि इस कंडीशन में इस ऐसे को क्या कहा जाता है, गैर पारंपरिक उपकरण यानी कि नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, जिनका प्रयोग परंपरागत तरीके से नहीं होता है, जिन उपकरणों का प्रयोग परंपरागत तरीके से नहीं होता है, ऐसे उपकरण आपके गैर पारंपरिक उपकरण कहलाते हैं यानी कि नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। और पारंपरिक उपकरण यानी कि जिन तरीकों से, जिनका प्रयोग सामान्य रूप से लगभग हमेशा होता रहता है, ऐसे उपकरणों को क्या कहा जाता है, पारंपरिक उपकरण कहा जाता है। अब ये पारंपरिक उपकरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है मात्रात्मक उपकरण और दूसरे को कहा जाता है गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण का मतलब ये होता है कि आरबीआई के पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके रेट में कटौती या बढ़ोतरी करने से मात्रा में परिवर्तन होता है, यानी कि कुल मिलाकर के मात्रा में परिवर्तन होता है, जब मात्रात्मक परिवर्तन करता है तो ऐसे उपकरणों को, जिन उपकरणों के में ऐसा हो सकता है, ऐसे सभी उपकरणों को मात्रात्मक उपकरण कहा जाता है। और दूसरा गुणात्मक उपकरण, जैसे मैं आपको कहूं कि भैया आप जो हैं, जो मान लीजिए किसी को मेहनताने की बात की जाए कि भैया यदि आप 8 घंटे करेंगे तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा, 8 घंटे काम करेंगे तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा, इसका मतलब कि 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब। अब यदि आप 2 घंटे कम काम करेंगे, 6 घंटे करेंगे तो मैं आपको 300 रुपए ही दूंगा, लेकिन यदि आप ज्यादा काम करते हैं तो हो सकता है कि मैं 50 रुपए आपको बढ़ा दूं पर घंटे के हिसाब से। तो एक तो तरीका यह हो गया कि मात्रा में परिवर्तन यानी कि घंटे में यदि आप परिवर्तन करते हैं तो स्वाभाविक से इसे पेमेंट में कम हो जाएगी। दूसरा होता है गुणात्मक परिवर्तन, यदि आप मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करिए, मीन्स काम बेहतर तरीके से कीजिए तो वो आपका होता है गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वालिटी में, यानी कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में आपको, यानी कि घंटों में काउंट करें या परसेंटेज में काउंट करें, परसेंटेज आए तो पढ़ने में अच्छा, परसेंटेज आए तो पढ़ने में अच्छा नहीं, यदि परसेंटेज से आप तोड़ेंगे तो उसे वो फिर क्या आएगा, मात्रात्मक उपकरण कहलाएगा। लेकिन दूसरा आपका क्वालिटेटिव गुणात्मक उपकरण, यानी कि आपके पास, आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, आपको अवेयरनेस है, जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में आपको ज्ञान है। यहां पर मौद्रिक नीति के दो प्रकार के उपकरण, मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक।
अब मात्रात्मक उपकरण भी कई प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। एक को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, रिजर्व रेशो, आरक्षित अनुपात, जिसमें आपका सीआरआर आता है, दूसरा एसएलआर आता है, एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि तरलता समायोजन सुविधा, यानी कि जब तरलता में परिवर्तन करना हो, विशेषकर लिक्विडिटी को परिवर्तित करना हो, और तीसरा अन्य में हम डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक दर, बैंक रेट, खुले बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ जाता है, और गुणात्मक परिवर्तन में आपका कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सर्वसन गाइडलाइंस, समय समय पर जो आरबीआई के द्वारा बैंकों को दी जाती है तो गाइडलाइंस भी इसमें आ जाती है। यह कुल मिलाकर के यदि हम इसको सामान्य रूप से डिवाइड करने का प्रयास करें, समझिएगा कि मौद्रिक नीति के जो उपकरण हैं, आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण हैं, उन मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरणों को हम कितने भागों में डिवाइड कर लेते हैं? हम विशेष रूप से पहले दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक पारंपरिक उपकरण यानी कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, पारंपरिक उपकरण, पारंपरिक उपकरण, दूसरा आपका गैर पारंपरिक उपकरण। गैर पारंपरिक उपकरण, पारंपरिक उपकरण और दूसरा आपका गैर पारंपरिक उपकरण। तो पारंपरिक उपकरण में आपका, पारंपरिक उपकरण में हम, गैर पारंपरिक उपकरण सामान्य तरीके से प्रयोग नहीं होते हैं, सामान्य परिस्थितियों में प्रयोग नहीं होते, इनकी आवश्यकता नहीं होती, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। लेकिन जो पारंपरिक उपकरण होते हैं इनका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, और पारंपरिक उपकरण में भी ये दो प्रकार के, एक पहला आपका मात्रात्मक उपकरण जिससे मात्रा में परिवर्तन होता है, मात्रात्मक उपकरण, और दूसरा आपका गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण सबसे ज्यादा प्रयोग मात्रात्मक उपकरण का होता है, सबसे ज्यादा मात्रात्मक उपकरण का उपयोग होता है। मात्रात्मक उपकरण को भी हम कई भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला रिजर्व रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स का मतलब यह होता है कि ऐसा अनुपात जो आरक्षित रखना होता है रिजर्व में, जैसे कहते हैं ना कि घर में कुछ अनाज ऐसा होता है जिसको रिजर्व में होता है, कि ये विपरीत परिस्थितियों में, घर में पैसा भी कुछ ऐसा होता है कि जो विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो जाए तो उन परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाएगा, उसको आरक्षित अनुपात कहा जाता है। और ऐसा ही बैंक में होता है, ऐसा ही बैंक में होता है, यानी कि बैंकों में भी, आरबीआई में भी, आरबीआई ऐसा गाइडलाइंस करता है, बैंकों को अपना कुछ हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ता है। इसका मतलब कि उस हिस्से को किसका, जो जमा है, जब जो जमा पूंजी हम और आप जो बैंक में जमा करते हैं, उस जमा पूंजी का कुछ हिस्सा विपरीत परिस्थितियों के लिए रिजर्व में रखना पड़ता है, उस हिस्से को बैंक लोन में, क्रेडिट में नहीं दे सकता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो यानी कि नकद आरक्षित अनुपात, और दूसरा आपका होता है SLR यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी फैसिलिटी, यानी कि तरलता समायोजित, सॉरी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो यानी कि तरलता, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। दूसरा होता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF जिसे कहा जाता है, लिक्विडिटी को यानी कि जब तरलता या ज्यादा हो या कम हो तो उसको समायोजित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जिस सुविधा का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तरलता समायोजित सुविधा यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या कहा जाता है, तरलता समायोजित, तरलता समायोजित सुविधा कहा जाता है, तरलता समायोजित सुविधा। ये तरलता को समायोजित करने के भी दो तरीके होते हैं, एक तरीके को कहा जाता है क्या, एक तरीके को कहा जाता है रेपो रेट, और दूसरे रेप को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उसका जस्ट उल्टा, ये क्या है इसको हम डिस्कस करें। और एक
तीसरा मात्रात्मक उपकरण को तीसरे पार्ट में हम डिवाइड भी डिवाइड कर सकते हैं, जिनको अदर इंस्ट्रूमेंट्स में ले सकते हैं। जैसे आपका इसमें हो जाएगा बैंक रेट, इसमें हो जाएगा आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, MSF कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा। ये आपके मात्रात्मक उपकरण होते हैं। इन उपकरणों का प्रयोग आरबीआई करता है, विशेष रूप से सबसे ज्यादा जो बेंचमार्क पॉलिसी रेट जिसे कहा जाता है, रेपो रेट का प्रयोग सबसे ज्यादा आरबीआई के द्वारा किया जाता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि मार्केट में मुद्रा के प्रवाह को, तरलता को समायोजित करने के लिए सबसे ज्यादा जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो है आपका यही तरलता समायोजित सुविधा यानी कि रेपो रेट। क्या है? रेपो रेट। तो इस प्रकार से हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण हैं, वो दो प्रकार के उपकरण, विशेष रूप से पहले हम उनको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में और नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में यानी कि पारंपरिक उपकरण को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक और दूसरा आपका क्वालिटेटिव गुणात्मक उपकरण। दूसरा क्या है? क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक उपकरण। तो अब जो मात्रात्मक उपकरण है, अब जो मात्रात्मक उपकरण है उस मात्रात्मक उपकरण को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। गुणात्मक उपकरणों में से भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो गुणात्मक उपकरण है उसमें उपभोक्ता ऋण विनियमन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, नैतिक दबाव और इसके अलावा गाइडलाइंस, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आएंगे, अब एक एक करके पहले क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक उपकरण को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मात्रात्मक उपकरण को समझने के पहले दोस्तों, हम थोड़ा सा, यदि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शायद ये नहीं समझते होंगे कि हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, जो हमारे बैंक में खाते होते हैं, बैंक में पैसा कैसे जमा करते हैं? पहले खाता खुलवाते हैं। लेकिन खाता भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअल में जो हमारे अकाउंट्स होते हैं दोस्तों बैंक में, अकाउंट्स हमारे कितने प्रकार के अकाउंट्स हो सकते हैं? हमारे विशेष रूप से हमारे जो खाते खुलते हैं बैंक में, या बैंक जो हमारे खाते खोलता है, वो विशेषकर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को कहा जाता है मांग जमा, एक को कहा जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पैसा जमा होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, ये खाते दो प्रकार के हो सकते हैं, मांग जमा और दूसरे को कहा जाता है टाइम डिपोजिट। यानी कि एक होता है डिमांड डिपोजिट और दूसरे को कहा जाता है मियादी जमा या सावधि जमा। क्या कहा जाता है? सावधि जमा। सावधि जमा। अब ये मांग जमा दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है जो अकाउंट हम बोलते हैं, जिसका सबसे ज्यादा, जो हम लोगों में से ज्यादातर लोगों के खाते होंगे वो सेविंग अकाउंट होंगे, यानी हम बचत खाता कहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है बचत करना, बचत खाता कहा जाता है इसको, जिसका सबसे ज्यादा हम और आप प्रयोग करते हैं। ये कैसे, मैं आपको अभी समझाऊंगा। दूसरा हमारा जो खाता होता है वो करंट अकाउंट होता है, दूसरे प्रकार का जो खाता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चालू खाता। इसी प्रकार से सावधि जमा भी दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है फिक्स्ड एफडी, कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट, और दूसरे को कहा जाता है रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। अब समझिएगा मेरी बात। बैंक में जब हम इस प्रकार से कोई खाता खुलवाते हैं जिसमें बैंक, क्योंकि बैंक हमसे क्या हो लेता है, बैंक में यदि हम जमा करते हैं तो इसका मतलब बैंक हमारा कर्जदार हो गया, बैंक हमारा देनदार हो गया और हम लेनदार हो गए, क्योंकि बैंक में जो पैसा है बैंक को एक ना एक दिन देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? एक तो ये है कि बैंक कब देगा जो हमारा पैसा जमा है? जब हम मांगे। हमारा खाता है, एटीएम है हमारे पास, हम एटीएम में गए, पैसा निकाले, यानी या तो बैंक में हम सीधे गए
पैसा उसको देना पड़ेगा। इस प्रकार का खाता यदि हम खुलवाते हैं तो उसको कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि मांग जमा, कि जब हम बैंक से पैसे मांगे तब बैंक देने के लिए बाध्य हो, ऐसे खाते को बैंक के कार्य क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, यानी कि मांग जमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांग जमा कहा जाता है। और दूसरे प्रकार का जो खाता होता है सावधि जमा, सावधि का मतलब अवधि पूरे होने पर, हम जब बैंक से हमने पैसा जमा किया है लेकिन एक अवधि के लिए जमा किया और हमने बैंक से प्रोमिस किया है कि हम इतनी अवधि के लिए जमा कर रहे हैं, तो वो जब अवधि पूरी हो जाएगी तब हमें पैसा मिलेगा, उस प्रकार के खाते को सावधि जमा कहा जाता है। अब ये जो आपका मांग जमा होता है, इस मांग ये मांग जमा भी आपका दो प्रकार का होता है, मांगने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट बचत खाता, जिसका उद्देश्य बचत करना होता है। हमारे और आप जैसे लोगों के पैसे इसी अकाउंट में जमा होते हैं, हमारे और खाते आपके इसी प्रकार के खाते में होते हैं। जब आप एटीएम में जाते होंगे तो एटीएम में सेलेक्ट करने को आते होंगे टाइप ऑफ अकाउंट, तो आप उसमें डालते हैं सेविंग अकाउंट पर क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद आपकी जानकारी मांगते हैं और फिर आप पैसा निकालते हैं। तो बचत, इसका उद्देश्य होता है बचत करना। इसमें क्या होता है कि हम डिपॉजिट करते हैं, जब तक हमें जरूरत नहीं होती तब तक नहीं निकालते हैं, और जब जब जरूरत होती तो निकाल लेते हैं। इसमें हमें इंटरेस्ट भी बैंक पे करता है, कुछ इंटरेस्ट भी बैंक पे करता है, डिपेंड करता है वो इंटरेस्ट कितनी है। लेकिन दूसरे प्रकार का होता है खाता चालू खाता, ये नॉर्मली व्यापारी करते हैं, जिसका नाम है चालू, आता है जाता है, आता है जाता है, दिन में कई बार आएगा, दिन में कई बार जाए। इसमें कोई इंटरेस्ट बैंक के द्वारा पे नहीं किया जाता है, चालू खाता इसको कहा जाता है, करंट अकाउंट कहा जाता है। इसमें बैंक के द्वारा कोई भी अकाउंट इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है नॉर्मली, ये होता है आपका चालू खाता। जब भी हमने चाहा बैंक में जमा कर दिया, जब भी हमने चाहा बैंक से निकाल लिया, तो इस प्रकार के खाते को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के खाते को चालू खाता कहा जाता है। इस प्रकार के खाते को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के खाते को चालू खाता कहा जाता है। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट, सावधि जमा, सावधि जमा, इसमें टाइम डिपॉजिट टाइम होता है। अब एक होता है एफडी, एफडी का मतलब यह होता है कि एक फिक्स अमाउंट, एक मुश्त अमाउंट हमने जमा कर दिया, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जितने भी हमारे पास हैं, और ये भैया कि 7 साल के लिए, 10 साल के लिए फिक्स्ड हो गया। अब वो जो अवधि उसकी मैच्योरिटी पूरी होगी, उस मैच्योरिटी के बाद हम पैसा निकाल सकते हैं, जितने हमारे इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट के साथ हम निकाल सकते हैं, यानी कि अपना मूलधन प्लस इसके साथ साथ ब्याज भी निकाल सकते हैं, मूलधन और प्लस इसके साथ साथ ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका, ये क्या कहलाता है, एफडी, ये क्या कहलाता है, एफडी। और दूसरा आपका होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में ऐसा रहता है, ये भी एक इसका टाइम लिमिट होता है कि 8 साल 10 साल। इसमें ये होता है कि भैया हमने फिक्स समय पर, एक निश्चित समय पर हमें पैसा जमा करना होता है, एक रिकरिंग, रिकरिंग मतलब बार बार, बारंबार, हर एक महीने में या हर 3 महीने में या हर 6 महीने में एक फिक्स अमाउंट होता है कि इतना भैया आपको हर महीने बैंक में जमा करना है। तो ये जब अवधि पूरी होगी तो आपको इकट्ठा आपको इतना मिलेगा ब्याज सहित। अब मैंने आपको कहा कि किसी भी प्रकार का जमा करें, ये जमा हमारी या बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है, देता है बैंक, हमारा पैसा देगा, भले ही जब हम मांगे तब दे या सावधि अवधि पूरी होने पर दे। इसको क्या कहा जाता है, तो लायबिलिटी है, तो इस प्रकार के लायबिलिटी को जब मांग जमा होता है तो इस प्रकार की लायबिलिटी को बैंक के लिए डिमांड लायबिलिटी कहा जाता है, यानी कि जब हम मांगे तब उससे दे होगा। और इस प्रकार की लायबिलिटी को टाइम लायबिलिटी कहा जाता है, कि जब अवधि पूरी होगी तब बैंक देगा। और इस दोनों को मिला दिया जाए तो बैंक की टोटल लायबिलिटी हो जाएगी, इन दोनों को मिला दिया जाए तो बैंक की टोटल लायबिलिटी होगी, जिसे हम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहेंगे, यानी कि टोटल जमा बैंक के पास।
क्या कहेंगे, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। चूंकि इस शब्द का अभी प्रयोग होगा, हम डिस्कस करेंगे, एनडीटीएल एक शब्द है जो प्रयोग होगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, शुद्ध रूप से मांग और सावधि देता। अभी जो शब्द हम यहां पर देख रहे हैं, रेशो अनुपात देख रहे हैं, दोनों में अनुपात, तो कितना अनुपात, किसका अनुपात, इसी का, एनडीटीएल का अनुपात, कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में आरक्षित रूप में रखना होता है। तो सबसे पहले आते हैं रिजर्व रेशो में, रिजर्व रेशो, जैसे मैंने आपको बताया कि रिजर्व रेशो जो है दो प्रकार के होते हैं, रिजर्व रेशो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि आरक्षित अनुपात क्या कहेंगे, आरक्षित अनुपात, आरक्षित अनुपात। अब ये रिजर्व रेशो कितने प्रकार के होते हैं, रिजर्व रेशो दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है CRR, कैश कैश रिजर्व रेशो, यानी कि कैश आरक्षित किस में, कैश में नकद, आरक्षित अनुपात, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका SLR, यानी कि स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या लिखा है कि ये रिजर्व रेशो का मतलब आरक्षित, आरक्षित क्यों, जब बहुत ही विपरीत परिस्थिति आ जाए, होता है ना कि भाई हम पैसा नॉर्मली रखते हैं, खर्च करते रहते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा अमाउंट होता है जो विपरीत परिस्थितियों में काम आता है, कि जब बिल्कुल ना रहे, कोई बीमार हो जाए, अचानक बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास कुछ रिजर्व मनी इकट्ठा रखिए, रिजर्व में पैसा इकट्ठा साइड में रखा रहे, वो पैसा जब ऐसी कोई दशा आती है कि हम डूबने वाले हों, हमारा या कुछ ऐसी कंडीशन होती है, तो उस पैसे को हम क्या कर सकें, उस पैसे को हम निकाल सकें। तो जब ये रिजर्व अनुपात नकद में रखना होता है, तो उसे नकद में किसके पास, आरबीआई के पास, ये बैंक, ये अपने पास नहीं, जब किसी बैंक को आरबीआई ऐसा कहता है कि जब बैंक को नकद में पैसा हमारे पास, यानी कि आरबीआई के पास रखना होगा, कितना, एक निश्चित अनुपात में, उस अनुपात में जो हम डिसाइड करेंगे, उस पैसे को आपको आरक्षित रूप में हमारे पास रखना होगा, यानी कि ऐसा अनुपात, किसका अनुपात, कितना, किसका अनुपात, एनडीटीएल का, एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, जो अभी हमने डिस्कस किया, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ अनुपात आपको नकद रूप में आरबीआई के पास आरक्षित, यानी कि बैंक को आरक्षित रखना पड़ता है, तो यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ अनुपात बैंकों को, प्रत्येक बैंक को कुछ अनुपात, कितना अनुपात, जो आरबीआई डिसाइड करेगा समय समय पर, कुछ अनुपात बैंकों को नकद रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, इस अनुपात को CRR कहा जाता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है, नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। क्लियर, यह नॉर्मली 4% के आसपास रहता है, इधर उधर घटता बढ़ता रहता है। अब यदि मान लीजिए, समझिएगा मेरी बात को, इससे क्या फर्क पड़ता है, तरलता में कैसे फर्क पड़ता है, कैसे ये इंस्ट्रूमेंट के रूप में आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करता है, कैसे आरबीआई के ये मौद्रिक नीति के रूप में कार्य करता है, मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में कार्य करता है, ये कार्य इस रूप में करता है कि मान लीजिए
बैंक के पास एनडीटीएल 100 रुपए, तो ये 100 रुपए कर्ज के रूप में बैंक दे सकता है, जो ब्याज मिलेगा वो उसका फायदा है। लेकिन आरबीआई कहता है कि नहीं भैया, इसका कुछ हिस्सा, मान लीजिए आरबीआई कहता है कि 4% हिस्सा आपको सीआरआर के रूप में हमारे पास रखना होगा और इसके बदले आपको कोई ब्याज भी नहीं मिलेगी, इसलिए बैंक हम इवन इसका विरोध करते हैं। ये एक ऐसा पैसा होता है जो आइडियल, इवन आरबीआई भी इसका प्रयोग नहीं कर सकता है, ये ऐसा माना जाता है कि ऐसा पैसा है जो आइडियल में पड़ा हुआ है जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो अब बैंक कहते हैं कि भैया हमें इसमें ब्याज भी नहीं मिलती, घाटा लगता है, ये तो जीरो होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मान लीजिए सपोज कि मार्केट में तरलता, अच्छा यहां पर ध्यान दीजिए 100 रुपए है, तो 100 रुपए में 4% सीआरआर, अब बैंकों के पास 96 रुपए बचेगा, 96 रुपए में ही कर दे सकते हैं, उसी में अपना फायदा भी देखेंगे, उसी में जो डिपोजिटर्स को जमा है उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर भाई पहले 100 रुपए था, 4 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते थे कर्ज के रूप में, अब मान लीजिए आज 96 रुपए, अब आरबीआई 5% कर देता है तो बैंकों के पास 95 रुपए बचेंगे, यानी कि 1 रुपए और चला गया, उसमें भी कोई फायदा नहीं। तो अब बैंकों के पास पैसा कम होगा, लेकिन ये 97 कर देता तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा क्रेडिट के रूप में देने में। तो जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा इसका मतलब तरलता बढ़ जाएगी, लोन सस्ता कर सकते हैं, और यदि बैंकों के पास लोन सस्ता कर देंगे तो तरलता बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। 95 रुपए कर देते हैं, 5% कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, तरलता घट जाएगी, क्योंकि लोन महंगा करेंगे भाई, हमने पहले जो 96 रुपए में फायदा देखना होता था वह 95 में ही देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सीआरआर को घटा के बढ़ा करके कैश रिजर्व रेशो यानी कि सीआरआर को, ये एक मॉनिटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और इसको मैं ध्यान रखना है कि सीआरआर एनडीटीएल का वह हिस्सा है, वह अनुपात है जो बैंकों को, प्रत्येक बैंक को, प्रत्येक अनुसूचित बैंक को, शेड्यूल्ड बैंक को आरबीआई के पास आरक्षित रखना पड़ता है, नकद में आरक्षित करना पड़ता है, कैश में आरक्षित रखना पड़ता है, जिसके बदले आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता है, इवन इस पैसे का प्रयोग आरबीआई भी नहीं कर सकता है। इसको क्या कहा जाता है, नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है। दूसरा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता। वैधानिक का मतलब कानूनी रूप से बाध्य है, तरलता का मतलब तरल रूप में, यहां पर क्या था नकद रूप में, यहां पर क्या है तरल रूप में। अब तरलता का मतलब क्या है, तरल रूप में कैश भी हो सकता है, तरल रूप में आपकी गोल्ड भी हो सकती है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, तरल रूप में आपकी प्रतिभूति भी हो सकती है, यानी कि सिक्योरिटी भी हो सकती है, सिक्योरिटी मार्केट से सिक्योरिटी खरीदी जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज कर ले मैं। तो वैधानिक तरलता अनुपात में का मतलब यह है, अनुपात तो यह भी है, एनडीटीएल का वह अनुपात, यानी कि यह भी एनडीटीएल का अनुपात है, एनडीटीएल का वह हिस्सा या एनडीटीएल का वह अनुपात जो बैंकों को वैधानिक रूप से, तरल रूप में, वैधानिक बाध्यता है कि तरल रूप में किसके पास, अपने पास ही रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास नहीं, अपने पास ही। लेकिन इस हिस्से को, यह जितना अनुपात है, इस हिस्से को वो क्रेडिट के रूप में, साख के रूप में, लोन के रूप में नहीं दे सकते हैं, इनको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। लिक्विड फॉर्म का मतलब या तो कैश के रूप में अपने पास, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करके, या तो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके, प्रतिभूति में इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, इसको ये कर्ज के रूप में नहीं दे सकते। इसे भी क्या कहा जाता है, आरक्षित अनुपात कहा जाता है, रिजर्व रेशो कहा जाता है, यानी कि ये भी, ये दोनों आरक्षित अनुपात है, ये लगभग 18% के आसपास से जो आपका SLR है। लेकिन SLR में बैंकों को फायदा होता है, कैश रिजर्व रेशो में तो बैंकों को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि CRR वह हिस्सा है जो नकद रूप में RBI के पास रखना होता है, इसका प्रयोग ना तो RBI कर सकते, ना तो बैंक कर सकते, और उसके बदले बैंकों को कोई ब्याज भी नहीं मिलती। लेकिन यहां पर जो SLR होता है, यहां पर बैंकों को फायदा हो सकता है, बस अब वो कैश के रूप में ना रखें।
बशर्ते वो कैश के रूप में ना रखें। तो कैसे रखें, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड के दाम नॉर्मली बढ़ते ही रहते हैं, और या तो प्रतिभूति के रूप में इन्वेस्ट करें जिसमें या तो इंटरेस्ट मिलेगा या तो प्रतिभूतियों के दाम बढ़ेंगे तो उसको फायदा मिलेगा। तो एसएलआर में नॉर्मली पैसा मींस लाभ होता है, सीआरआर में बैंकों को कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के लिए आरक्षित रूप में रखा जाता है। तो ये हो गया क्या आपका एसएलआर, यही चीज मैंने आपको बताई, कैश रिजर्व रेशो, ये बैंकों के जमा का यानी कि निवल मांग और मियाद देयताएं राशि का वह हिस्सा है, ये सीआरआर के बारे में, कैश रिजर्व रेशो नगद आरक्षित अनुपात को, जिसे बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नगद में रखती है। सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखी गई धनराशि का प्रयोग आरबीआई भी नहीं कर सकती है, एवं इस धनराशि पर आरबीआई बैंकों को ब्याज भी अदा नहीं करती है। इस धनराशि पर आरबीआई बैंकों को ब्याज भी अदा नहीं करती है। इसके अलावा दैट मीन्स इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एनडीटीएल ऑफ द बैंक दैट बैंक हैज टू मेंटेन with the RBI in the form of cash. RBI cannot even use the money kept with the RBI as CRR and RBI does not pay interest to the bank on this amount. And RBI does not pay interest to the bank on this amount. Yet the average daily balance that a bank is required to maintain with the Reserve Bank as a share of such percent of its NDTL एवरेज डेली बैलेंस, यानी कि जो डेली बेसिस पर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्रिएट होती है, दैट रिजर्व बैंक में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम द गजेट ऑफ इंडिया, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का सच परसेंट उतना परसेंट जितना आरबीआई समय समय पर गजेट ऑफ इंडिया भारत के राजपत्र पर अधिसूचित करता है। तो औसत दैनिक शेष जो एक बैंक को अपनी शुद्ध मांग और सावधि देनदारियों के ऐसे प्रतिशत के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक के पास बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे रिजर्व बैंक समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर सकता है, अधिसूचित करता है। ठीक है, मींस फिर इसके बाद स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। तो वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर बैंक के कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात है, जिसे बैंक अलग हटाकर अपने पास ही रखती है। अलग हटाकर अपने पास का मतलब, अतः इसका प्रयोग बैंक आम उपभोक्ता को एवं निवेशक को ऋण प्रदान करने के लिए उद्देश्य नहीं कर सकते। तो फिर करती क्या है, या तो कैश के रूप में, या तो गोल्ड के रूप में, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में ये इन्वेस्ट करके रखें। The share of NDTL that a bank is required to maintain in safe and liquid assets such as unencumbered government securities, cash or gold, securities, cash or gold. Changes in SLR often influence the availability of resources in the banking system for lending of the private sector. From lending to the private sector. यानी कि NDTL का वह हिस्सा जो बैंक को सुरक्षित और तरल संपत्ति जैसे कि बिना भार वाली सरकारी प्रतिभूतियों, नगद और सोने में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एसएलआर में परिवर्तन अक्सर निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। प्रभावित तो करेगा, एसएलआर ज्यादा होगा तो बैंकों के पास कम पैसा होगा जिसे उधार दे सके, उसी में से उसे सब कुछ निकालना होगा तो वो लोन महंगा कर देगा। यदि उसके पास एसएलआर कम होगा तो उसके पास ज्यादा पैसा होगा, लोन सस्ता कर देगा। तो इस प्रकार से मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो मार्केट में तरलता है, वो मार्केट में तरलता नियंत्रित हो जाएगी। इसके बाद तो ये नगद, ये क्या हो गए, आरक्षित अनुपात आपके हो गए, ये क्या हो गए, आरक्षित अनुपात हो गए। अब इसके बाद आते हैं कहां पर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में, इसका नाम ही है तरलता समायोजन सुविधा, क्या नाम है, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि तरलता समायोजित सुविधा, तरलता को समायोजित करने के लिए जो सुविधा होती है, ये इसके दो प्रूफ होते हैं,
एक होता है रिपो रेट, जिसे बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहा जाता है, रेपो रेट, ये बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहलाता है। पॉलिसी रेट, और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, रेट दर, वह दर है जिस दर पर आरबीआई, जब बैंकों का क्या होता है, बैंकों के पास तरलता, तरलता जो है कम या ज्यादा होती है, यानी कि मान लीजिए बैंकों के पास कर्ज की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई, अब बैंक के पास उतना है ही नहीं कि कर्ज दे सके, तो वो क्या करेगा, आरबीआई से उधार लेगा। तो जिस दर पर, अब आरबीआई क्या कहेगा कि मैं तो दे तो दूंगा आपको, लेकिन आपको ब्याज देनी पड़ेगी, तो वो जो ब्याज, इंटरेस्ट रेट दर जो है, ब्याज की दर, उसी दर को रेपो रेट कहा जाता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, ऐसे नहीं कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए संतुलित करने के लिए, यानी कि समायोजित करने के लिए, तरलता ज्यादा है तो ठीक है हम संतुलित कर देते हैं, हम आपको पैसा दे देते हैं, उसके बदले आप हमें ब्याज देंगे। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को ये शॉर्ट टर्म कर्ज प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, या बैंक, या उल्टा भी कह सकते हैं कि बैंक जिस स्तर पर आरबीआई से, जिस ब्याज दर पर आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पावधि के लिए, अल्पावधि के लिए पैसे प्राप्त करते हैं या कर्ज प्राप्त करते हैं, उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। अब यदि रेपो रेट की दर ज्यादा होगी तो बैंकों को ज्यादा ब्याज दर पे करना पड़ेगा, जब बैंकों को ज्यादा पे करना पड़ेगा ब्याज दर, तो वो जनता से जिसको कर्ज देते हैं उसके ब्याज महंगा कर देंगे, यानी कि लोन महंगा हो जाएगा, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। यदि आरबीआई सस्ते दाम पर देगा तो बैंक भी सस्ते दाम पर लोन देगा, और बैंक सस्ते दाम पर लोन देगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग कर्ज लेंगे और डिमांड को क्रिएट करेंगे, ये रेपो रेट होता है। उसी का उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है, जब बैंकों के पास एक्सेस पैसा होता है, अधिक पैसा होता है, कोई कर्ज लेने वाला नहीं है, तो बैंक क्या करें, बैंक आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, बैंक आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, तो बैंक कहेंगे कि हम जमा तो कर रहे हैं, इसके बदले कुछ ब्याज दोगे कि नहीं, सीआरआर में तो नहीं देते हो, तो आरबी कहता है कि हम देंगे, पर आपके रेपो रेट से ज्यादा नहीं देंगे। जैसे रेपो रेट्स अभी एग्जैक्टली शायद यदि मैं कहूं, थोड़ा गलत भी हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली अभी घटा बढ़ता रहता, 6.75% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। अब ये 3.35% रेपो रेट से कम है, स्वाभाविक सी बात है कि आरबीआई ज्यादा महंगे दर पर देगा ब्याज। जैसे हम बैंक में जमा करते हैं तो हमको ब्याज कम मिलती है, लेकिन वही यदि बैंक हमसे, बैंक से हम कर्जा लेते हैं तो बैंक हमसे ज्यादा ब्याज लेता है, सेम वैसा ही है कि आरबीआई यदि पैसा देगा तो ज्यादा ब्याज लेगा, और बैंक से ज्यादा पैसा लेगा आरबीआई, बैंक से पैसा यदि आरबीआई लेगा तो कम ब्याज देगा। तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहां पर लागू होता है, वही कॉन्सेप्ट आपका यहां पर लागू होता है। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। सो ये क्या हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है, जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौते के माध्यम से, बैंकों को रिवर्स रेपो समझौते के माध्यम से आरबीआई ऋण देने की अनुमति देता है। इसका रेपो क्यों कहा जाता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, इसमें रीपर्चेज का मतलब कि प्रतिभूतियां दी जाती हैं, बैंक जब प्राप्त करता है पैसा तो आरबीआई से कहता है कि ये प्रतिभूति हमारी रख लो, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे कि गिरवी वगैरह कोई चीज रखते थे, तो वो कि रीपर्चेज की भाई हमें रख रहे हैं, इसके बदले आप ये हम वापस ले लेंगे, और जब तक नहीं लेते तब तक हम आपको ब्याज देंगे। तो वही चीज है आपका, यानी कि वह रेट है, वह ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई के से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है, सामान्यतः ये ऋण जो है कि परिपक्वता 90 दिन की होती है, या वह निश्चित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों को रातों रात चल निधि प्रदान करता है, यानी कि द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। टेक्निकली ये जो रेपो होता है, इस रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है, इस रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन।
और भी परचेज एग्रीमेंट. इट इज एन एग्रीमेंट इन विच द बैंक प्रोवाइड एलिजिबल सिक्योरिटीज सच एज ट्रेजरी बिल्स और टू द आरबीआई व्हाइल अवेलिंग द ओवरनाइट लोन. बैंक आरबीआई से नहीं देता है, कहता ठीक है ब्याज तो दोगे लेकिन उसके पहले यदि पैसा नहीं लौटाए तो कुछ रखना पड़ेगा. और वो क्या रखते हैं बैंक, वो नॉर्मली ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं जो आरबीआई के पास रख देते हैं, जिसमें रीपर्चेज का एग्रीमेंट होता है कि भैया हम इसे वापस ले लेंगे जब आपका पैसा दे देंगे. एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विल ऑल्सो बी इन प्लेस. यानी कि एग्रीमेंट जो होगा वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पर होगा कि भैया हम इसको वापस ले लेंगे. तो ये होता है आपका रिवर्स रेपो रेट. इसी का जस्ट उल्टा आपका ये आपका रेपो रेट होता है, इसी का जस्ट उल्टा आपका रिवर्स रेपो रेट होता है. यानी कि वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है. इस व्यवस्था के अंतर्गत आरबीआई प्रतिदिन एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में उन बैंकों से प्राप्त करती है जिनके पास अधिशेष है, एक्स्ट्रा पैसा है, एवं उन बैंकों को रिवर्स रेपो दर पर ब्याज अदा करती है. द फिक्स इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी ऑन एन ओवरनाइट बेसिस from banks against the collateral of eligible government securities under the LAF, यानी कि liquidity adjustment facility. ठीक है, so ये आपका यहाँ पर जो आज हमने discuss किया, ये reserve rate source and liquidity adjustment facility हमने discuss किया, ये सुविधाएं, ये other instruments और qualitative instruments कि हम next classes में discuss करेंगे. और साथ ही साथ banking पर एक और topic है, classification of banking system. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो बैंकों का विकास हुआ उसके संबंध में, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा. तो ये क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे डिस्कस करेंगे चीजों को. ठीक है, सो आज के लिए इस क्लास में इतना ही. ठीक है, चलिए. तो दोस्तों ये भी बता दूं आप सभी को कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं. कंप्लीट बैचेज आप कभी भी, लगभग हर दिन एक नया बैच होता है. प्रीयर मेंस के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, इसके साथ साथ मेंस के बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेस्ट सर्विस मेंस का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं. और आपके लिए बता दूं कि ये सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड PANDEY का जरूर प्रयोग करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें. इसमें इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलेगा. और डिस्काउंट के साथ साथ याद रखिएगा रेफरल कोड PANDEY, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा. और साथ ही साथ अभी ऑफर चल रहा है जिसमें 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much. Thank you.